दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। दोस्तों प्रश्न संख्या 426 से हम अपनी प्रश्नों की यात्रा को आगे बढ़ाने वाले हैं, जो कि प्राचीन इतिहास के संदर्भ में थी। प्राचीन इतिहास का हम अध्ययन कर रहे थे और यह अध्ययन बहुविकल्पीय प्रश्नों के माध्यम से हो रहा था। यह इस सीरीज की अंतिम कड़ी है, यहाँ पर हमारी यात्रा पूर्ण हो जाएगी और हम अपने उद्देश्य को प्राप्त कर लेंगे। हमारा उद्देश्य है रिविजन, विषय को दोहराना। जब आप पूरी किताब पढ़ लेते हैं तो आप बहुविकल्पीय प्रश्नों के माध्यम से अभ्यास करते हैं और अपने ज्ञान को एक बार रिवाइज कर लेते हैं, दोहरा लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 426 को देखिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सैंधव मोहरों का सबसे प्रचलित आकार 2.8 सेंटीमीटर गुणे 2.8 सेंटीमीटर था। ये बीच में गुणे का निशान है, इसे आप देखिए, यहाँ पर ये आकार दिया हुआ है। और दिया हुआ है कि लोथल से प्राप्त मृद भांड में एक वृक्ष के मुंह में, मतलब एक वृक्ष पर मुंह में मछली पकड़े हुए एक चिड़िया को दर्शाया गया है। एक पेड़ है जिस पर एक चिड़िया बैठी है, उसके मुंह में मछली है और एक नीचे लोमड़ी बनी हुई है, इस तरह का चित्र मिलता है। और मोहनजोदड़ो जो स्थल है, यहाँ से सूती कपड़े का टुकड़ा मिला है, सूती कपड़े का, सूती वस्त्र का एक छोटा सा टुकड़ा प्राप्त हुआ है। और सिंधु लिपि को बाएँ से दाएँ पढ़ने और उसे तमिल भाषा में परिवर्तित करने वाले विद्वान ये रेवरेंड हैरिस थे, रेवरेंड हैरिस थे ऐसा कहा जाता है। ये चार कथन हैं। अब आपको ये बताना है कि इसमें से कौन से सही हैं। देख लीजिए और बताइए। तो इसका उत्तर हो जाएगा डी, अर्थात इसमें जितने भी हैं वो सभी ठीक हैं, जितने भी कथन दिए हुए हैं वो सभी सही हैं। कैसे सही हैं देख लीजिए। सैंधव जो मोहरे हैं उनका सबसे प्रचलित आकार 2.8 × 2.8 था, ये सेंटीमीटर में है। मुद्राओं में सबसे अधिक संख्या ऐसी मुद्राओं की है जिन पर एक सींग वाले पशु की आकृति बनी हुई है, एक श्रृंगी पशु, श्रृंग मतलब सींग, तो एक सींग वाले पशु की आकृति इन पर बनी हुई है। तो इस आधार पर हम डी का चयन करते हैं, मतलब जितने भी स्टेटमेंट दिए हैं वो सभी ठीक है। प्रश्न संख्या 427 को देखिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय इतिहासकारों में वी के रजवाड़े को सबसे अधिक वरिष्ठ समझा जाता है। इतिहास की मार्क्सवादी विचारधारा के अनुसार सभी समाज इतिहास के कम 5 चरणों से गुजरते हैं। हर समाज को, हर सामाजिक जो प्रणाली है उसको इतिहास के 5 चरणों से गुजरना पड़ता है। और तीसरा है कि संगम साहित्य से हमें दक्षिण के 5 राज्यों की जानकारी प्राप्त होती है। अब आपको बताना है कि इसमें से कौन से कथन सही है, देख कर बताइए। विकल्प आपके सामने है और उत्तर देख लीजिए, इसका ए वाला सही होगा। ए वाला मतलब दूसरा वाला, इसमें सही उत्तर का चयन करना था तो ये वाला ठीक। कैसे ठीक है, व्याख्या देखिए। भारतीय इतिहासकारों में आरसी मजूमदार को सबसे वरिष्ठ माना जाता है। इन्होंने प्राचीन भारत से स्वतंत्रता संग्राम तक के इतिहास के बारे में कई किताबें लिखी और इनके प्रधान संपादकत्व में, मतलब इनके संपादन में 11 खंडों में प्रकाशित हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ द इंडियन पीपल, यह एक पूरी बड़ी सी किताब है, बड़ी सी रचना है, यह एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो सबसे प्राचीन जो वरिष्ठ इसमें इतिहासकारों का नाम आता है उसमें कौन है, तो ये आरसी मजूमदार है, तो वो नाम गलत दिया था। इसके बाद इतिहास की जो मार्क्सवादी विचारधारा है उसके अनुसार सभी जो समाज है, जितना भी सामाजिक जीवन है, वह इतिहास के हिसाब से कम 5 चरणों से गुजरता है। ऐतिहासिक चरणों को अगर देखा जाए तो यहाँ पे वो चरण जो है वो 5 होते हैं। कौन कौन से चरण होते हैं, तो आदिम साम्यवाद होता है, इसके अलावा दासता, सामंतवाद, पूंजीवाद और साम्यवाद, इस तरह की चीज़ें होती हैं। आगे देखते हैं। संगम साहित्य से हमें दक्षिण के 3 राज्यों की जानकारी प्राप्त होती है, चोल, चेर और पांडे। इस साहित्य की कविताओं में कुल मिलाकर 30,000 पंक्तियाँ हैं। ये कविताएँ दो मुख्य समूहों के नाम भी आप जानते रहिए, इनके नाम हैं पदिने किल्ल कणक्कु और पत्त पातु। ये दो समूह हैं। इन दो समूहों में जो संगम साहित्य है इसकी कविताओं का विभाजन किया गया है और इससे हमें दक्षिण के 3 राज्यों की जानकारी प्राप्त होती है, जो कि चोल, चेर और पांडे हैं। तो ये तो कुछ जानकारियाँ थी और इनके आधार पर हमने ए का चयन किया, अर्थात केवल दो जो है वो हमें सही इसमें मालूम होता है, पहला और तीसरा स्टेटमेंट गलत है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 428 को देखिए। सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है, ऐसा कहा जाता है, क्यों कहा जाता है देखिए। तो सिंधु सभ्यता की खोज हड़प्पा में हुई थी। सिंधु सभ्यता की घाटी में, मतलब ये
सिंधु घाटी की जो सभ्यता है इसकी अवस्थिति के कारण इसे ऐसा कहा जाता है, या सिंधु सभ्यता का प्रारंभ हड़प्पा में हुआ था, या फिर हड़प्पा सैंधव नगरों में सबसे बड़ा था। तो इसका उत्तर होगा एक, एक मान लीजिए या ए मान लीजिए, इसमें विकल्प जो है वो पहला वाला सही होगा। चार विकल्प आपके सामने थे, इसमें से क्या कारण था कि सिंधु सभ्यता को हड़प्पा की सभ्यता भी कहा जाता है? तो सिंधु सभ्यता की खोज ये हड़प्पा में हुई थी, इसलिए इसे हड़प्पा सभ्यता कहा जाता है, ये कारण है। आगे बढ़ते हैं, 429वें प्रश्न को देखिए। मोहनजोदड़ो की इमारतें नगर के किस भाग में स्थित थी? नगर का कौन सा हिस्सा था जहाँ पे इमारतें थी, बिल्डिंग थी? तो संपूर्ण क्षेत्र में सुनियोजित तरीके से फैली हुई थी, मतलब व्यवस्थित तरीके से ये चारों ओर फैली हुई थी, या फिर एक जगह पे केंद्रित थी, अव्यवस्थित थी, चारों ओर बिखरी हुई थी, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं? इसमें से कोई भी विकल्प सही नहीं है, बताइए। सही उत्तर का हमें चयन करना है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ए, ए अर्थात केवल पहला वाला, केवल पहला वाला, संपूर्ण क्षेत्र में नियोजित ढंग से फैली हुई थी, जो इमारतें थी वो पूरे क्षेत्र में नियोजित ढंग से, व्यवस्थित ढंग से फैली हुई थी। आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या 430 को देखिए। निम्नलिखित हड़प्पा कालीन फसलों में से किसका पश्चिम एशिया जो क्षेत्र है वहां से विस्तार माना जाता है? तो देखिए, गेहूं, चावल, कपास और जौ, नीचे दिए गए कूटों से सही उत्तर का हमें चयन करना है। पहला दूसरा, दूसरा तीसरा, पहला तीसरा और चौथा, या फिर इसमें से पहला दूसरा और चौथा, बताइए। गेहूं, चावल, कपास और जौ, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, अर्थात पहला दूसरा और चौथा, पहला दूसरा और चौथा, मतलब गेहूं, इसके अलावा चावल और जौ। आगे बढ़ते हैं, सूची एक को सूची दो से मिलाइए। यहां पर दो सूचियां दी हैं, एक तरफ जो सूची एक है उसमें विद्वानों के मत दिए हुए हैं, मतलब विद्वानों के नाम दिए हुए हैं, इन विद्वानों ने अपने अपने विचार व्यक्त किए थे, और दूसरी तरफ आर्यों के मूल स्थान का नाम दिया हुआ है। आर्य मूल रूप से कहाँ के निवासी थे, इस पर अलग अलग विद्वानों के अपने अपने विचार थे। तो पंडित गंगानाथ झा, इसके अलावा डॉक्टर LD कल्ला, डॉक्टर DS त्रिवेदी, और इसके अलावा स्वामी दयानंद सरस्वती और पार्टीजर, ये विद्वान हैं। और इनके हिसाब से जो मत थे, मतलब मूल निवास का नाम दिया हुआ था, उसमें नाम देख लीजिए, देविका प्रदेश, कश्मीर क्षेत्र, तिब्बत क्षेत्र और ब्रह्मर्षि क्षेत्र, ये चार नाम दिए हुए हैं। ब्रह्मर्षि क्षेत्र है, देविका क्षेत्र है, इसके अलावा कश्मीर वाला इलाका है, तिब्बत वाला क्षेत्र है। आपको मिलान करना है और विकल्प यहाँ मौजूद है, मिलान करके बताइए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, अर्थात DBAC, पहले वाले का डी, दूसरे वाले का बी, तीसरे वाले का ए और चौथे वाले का सी। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 432 को देखिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उत्तर वैदिक काल, जो उत्तर वैदिक समय था जिसे कि काल कहा जाता है, इसमें आर्यों के प्रसार का वर्णन शतपथ ब्राह्मण के विदेध माधव की कथा में मिलता है। इसके बाद कौशीतकी ब्राह्मण के संकलनकर्ता का मतलब इकट्ठा करने वाले, उसे एकत्र करने वाले, ये कण्व ऋषि थे, कण्व नाम के एक ऋषि थे। शुक्ल यजुर्वेद को वाजसनेयी संगीता भी कहते हैं, और यम तथा नचिकेता के बीच जो प्रसिद्ध संवाद है उसका वर्णन मुंडकोपनिषद से मिलता है। अब आपको ये बताना है कि इसमें से कौन सा सही है। तो देखिए, चौथा वाला तो एकदम गलत है, चौथा वाला नहीं हो सकता, क्योंकि ये मुंडकोपनिषद से नहीं मिलता है। नचिकेता और यम के बीच में जो संवाद हुआ था मृत्यु पर, और जो आत्मा और जीव होता है उसके, उसकी गति पर, उसके जन्म पर चर्चा हुई थी यहाँ पे, तो ये कठोपनिषद से प्राप्त होता है। तो यहाँ उपनिषद का नाम गलत दिया है, इसलिए चौथा तो गलत हो जाता है। बचते हैं एक, दो और तीन, इन पर विचार कीजिए और बताइए। तो इसका हो जाएगा बी, अर्थात पहला और तीसरा, इसमें जो सही है वो सिर्फ पहला और तीसरा है, दूसरा और चौथा यहाँ गलत है। आगे चलते हैं, व्याख्या देख लीजिए। कौशीतकी ब्राह्मण के संकलनकर्ता ये कुशीतक ऋषि थे, इन्हीं के नाम पे कौशीतकी पड़ा है। कौशीतकी या शंखायन ब्राह्मण में विभिन्न यज्ञों का वर्णन मिलता है, यज्ञ के अलग अलग प्रकारों का यहाँ उल्लेख मिलता है। और शुक्ल यजुर्वेद जो है इसे वाजसनेयी संगीता भी कहते हैं। इसकी दो शाखाएं हैं, कौन कौन सी शाखाएं हैं, कांडव है और माध्यदिन है। अधिकांश विद्वान शुक्ल यजुर्वेद को ही वास्तविक वेद मानते हैं, इसे ही वास्तविक वेद की संज्ञा दी गई है। यम और नचिकेता के बीच जो प्रसिद्ध संवाद है उसका वर्णन कठोपनिषद में
और इसके अलावा तैतीतरीय उपनिषद में अधिक अन्न उपजाओ के रूप में मिलता है। मतलब यहाँ अलग अलग विवरण जो है वो अलग अलग उपनिषदों से संबंधित है। मतलब यम नचिकेता जो संवाद है उसका वर्णन आपको कठोपनिषद से प्राप्त होगा, और अधिक अधिक अन्न उपजाओ वाली जो बात है ये हमें कहाँ से मिलती है, ये हमें प्राप्त होती है तैतीतरीय उपनिषद से। इस पर भी प्रश्न बनते हैं, ये स्लोगन आपको दे देगा और पूछेगा कि ये कहाँ से लिया गया है, तो ये लिया गया है तैतीतरीय से, अधिक अन्न उपजाओ। तो ठीक है, ये है व्याख्या इसकी। प्रश्न संख्या 433 को देख लेते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऋग्वैदिक पुरातात्विक साक्ष्य मुख्यतः 5 प्रकार के थे। ऋग्वेद के समय गण एक जनसभा थी। ऋग्वेद काल में या ऋग्वैदिक काल में नाना दादा नाती पोते आदि सभी के लिए एक ही शब्द नृप्त शब्द का इस्तेमाल किया जाता था। ये कुछ कथन दिए हुए हैं, आपको ये बताना है कि इसमें से कौन से सही है, सभी ठीक है या कुछ ही सही है, बताइए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, अर्थात दूसरा और तीसरा इसमें ठीक है, इसमें दूसरा और तीसरा ठीक है, बाकी जो पहला है वो ठीक नहीं है। व्याख्या देख लीजिए। ऋग्वैदिक पुरातात्विक साक्ष्य मुख्यतः 3 प्रकार के हैं। काले और लाल मृदभांड है, मतलब मिट्टी के बर्तन है। इसके अलावा ताम्रपुंज गेरुवर्णी मृदभांड है, इस रंग के भी मिट्टी के बर्तन प्राप्त होते हैं। मृद मतलब होता है मिट्टी, भांड मतलब बर्तन। इसके बाद ऋग्वेद के समय में ऋग्वैदिक काल में गण एक जनसभा थी, गण जो था वो एक जनसभा था, ये चीजें यहां मिलती हैं। और इसमें कुलीन लोग शामिल होते थे, इस जनसभा में कुलीन लोगों को शामिल किया जाता था और इसके मुखिया को गणपति कहा जाता था, ये एक प्रकार की सभा होती थी। तो इस आधार पर हम सी का चयन करते हैं और आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आगे बढ़ने से पहले कुछ जानकारी हमारे कोर्सेज के बारे में, आइए उसे भी देख लेते हैं। दोस्तों, हमारे पेड कोर्सेज अलग अलग सिविल सेवा परीक्षाओं के लिए संचालित होते हैं, जिसमें UPPSC, MPPSC और BPSC द्वारा कंडक्ट की जाने वाली परीक्षाएं हैं। इसके अलावा संघ लोक सेवा आयोग की जो सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा है उसके लिए भी इसे लॉन्च किया गया है और ये चल रहा है, 2020 के लिए इसे संचालित किया जा रहा है। और अगर आप इनसे जुड़ना चाहते हैं तो नीचे दिए गए जो कॉलिंग नंबर्स हैं उन पर संपर्क कर सकते हैं, वहाँ आपको आवश्यक जानकारियाँ मिल जाएंगी। यहाँ पर आपको PDF भी मिलेगा, जो PDF की चर्चा आप करते हैं तो वो आपको पेड ग्रुप में ही मिलता है, उसके लिए आपको पेड ग्रुप ज्वाइन करना पड़ेगा। यहाँ पर घर बैठे तैयारी करने का ये एक अच्छा जरिया है। इसके अलावा फ्री स्टडी मटेरियल और वीडियो के नोटिफिकेशन की अगर बात की जाए तो इसके लिए हमारा टेलीग्राम चैनल है OnlyUPPSC by Study for Civil Services। चाहे तो आप जाके टेलीग्राम में सर्च करके ज्वाइन कर लीजिए, या जो लिंक दिया जाता है उससे भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, उससे जुड़ जाइए। उससे जुड़ने का ये फ़ायदा होगा कि आपको जितने भी नोटिफिकेशन है वो समय पर प्राप्त होंगे, और जितना भी कुछ शेयर किया जाएगा जो कि फ्री होगा वो आपको वहाँ मिल जाएगा, आप अपडेटेड रहेंगे, आपके लिए सुविधा होगी। और इसके अलावा YouTube पर जो हमारे चैनल हैं, 3 चैनल चल रहे हैं आप जानते ही हैं, उनसे जुड़ जाइए और जो वीडियो है उन्हें शेयर किया कीजिए, लाइक किया कीजिए, इससे दूसरों को भी फायदा पहुँचेगा। शेयर करने से जो जानकारी है वो दूसरों तक भी पहुँचेगी और यही हमारे चैनल का उद्देश्य भी है। तो चलिए आगे चलते, देखिए 434वां प्रश्न देखिए। ऋग्वैदिक कालीन समाज के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नियोग प्रथा से उत्पन्न संतान क्षेत्रज कहलाती थी, क्षेत्रज पुत्र कहलाती थी। कुंवारी कन्याओं को अमाजु कहा जाता था, गाय को अधन्या कहा जाता था, और करम्ब नामक भोज्य जो था वो जौ के सत्तू को दही में डालकर तैयार किया जाता था। मतलब जौ का सत्तू होता था, जौ का आटा होता था, उसमें दही डालकर इस पकवान को तैयार किया जाता था। तो आप बताइए इनमें से कौन सा गलत है। विकल्प देख लीजिए और इसका उत्तर हो जाएगा ए, अर्थात केवल दूसरा वाला, केवल दूसरा वाला जो है वो गलत है। यह ऋग्वैदिक कालीन समाज की बात की जा रही है, यह सही नहीं है। कैसे सही नहीं है, तो देख लीजिए, जो कन्याएं जीवन भर कुंवारी रहती थी उनको अमाजु कहा जाता था। यहां पर कुंवारी कन्याओं को, मतलब हर कुंवारी कन्या को अमाजु नहीं कहा जाता था, जो आजीवन विवाह नहीं करती थी उनके लिए ये शब्द इस्तेमाल होता था। तो जरा सा बारीक अंतर है और बाकी ठीक है, जितने भी कथन है वो ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इसका ए वाला विकल्प सही था। प्रश्न संख्या 435 को देखिए। ऋग्वेद में युद्ध के लिए पर्याय है, युद्ध के लिए कौन कौन से पर्याय हैं, गविष्टि, गवेशक, गोशु या गभ्य, इनमें से कौन सा कथन सही है, सही उत्तर चुनिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, डी वाला, मतलब सभी, ये सभी जो है ये युद्ध के ही पर्याय हैं।
कैसे, इसकी व्याख्या देख लेते हैं। आर्यों की अधिकांश लड़ाइयां गायों को लेकर होती थी। ऋग्वेद में युद्ध के लिए पर्याय गविष्टि है, इसी प्रकार गवेषण, गोशु, गद्य, गभ्य आदि शब्द भी युद्ध के लिए ही इस्तेमाल होते थे। ऋग्वेद में एक व्यापारी वृभु का उल्लेख मिलता है जो कि काफी दानशील था, ऐसा यहाँ जिक्र प्राप्त होता है। मतलब गविष्टि का मतलब होता है गायों की खोज, तो जो पड़ी होते थे वो आर्यों की गाय चोरी कर लेते थे और उसके बाद फिर गविष्टि होती थी यानी गायों की खोज होती थी और जबरदस्त लड़ाई होती थी, फिर जीतने पर गायें वापस आ जाती थी। गायों को ही यहाँ पर मूलधन माना जाता था। तो ये सब युद्ध से जुड़े हुए शब्द हैं, इस आधार पर हमने डी का चयन किया। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 436 की ओर। 436वें प्रश्न को देखिए। ऋग्वेद में सिंचाई के लिए तीन प्रकार के जलों का उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद में बसोवाय नामक वर्ग का उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद में इंद्र को पर्जन्य के नाम से जाना जाता है, पर्जन्य जो शब्द है ये इंद्र के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और राष्ट्र शब्द का जो सबसे पहले उपयोग है या प्रयोग है वो उत्तर वैदिक काल में होता है। राष्ट्र शब्द का इस्तेमाल ये उत्तर वैदिक काल में सबसे पहली बार हुआ है। तो चार कथन आपके सामने हैं, आप ये बताइए कि इसमें से कौन सा सही है, देख लीजिए। और इसका उत्तर हो जाएगा सी, अर्थात दूसरा और चौथा। कैसे, तो व्याख्या देख लेते हैं। ऋग्वेद में सिंचाई के लिए दो प्रकार के जलों का उल्लेख मिलता है, दो प्रकार के यहाँ पे जल का उल्लेख मिलता है और यहाँ कितना दिया, तीन दिया है, इसलिए पहला वाला गलत हो गया। और देखिए इनका नाम क्या है, स्वयंजा है और खनित्रमा है। इसके अलावा ऋग्वेद में बसोवाय नामक वर्ग का उल्लेख मिलता है जो कि कपड़ा बनाने का कार्य करता था। ऋग्वैदिक आर्यों का सबसे महत्वपूर्ण देवता, मतलब इनके जो सबसे महत्वपूर्ण देव थे वो इंद्र थे। इन्हें पुरंदर, वृत्तासुर हंता, पुरद्भिद, सोमापा, सत यहाँ पे सतकृति और इसके अलावा मधुवान आदि नामों से जानते थे। ये सब जो नाम हैं ये किसके हैं, ये इंद्र के ही नाम हैं, इन्हें आप देख सकते हैं। तो इस आधार पे हम सी का चयन करते हैं, मतलब दूसरा और चौथा, जो इंद्र के पर्यायवाची हैं वो आपके सामने हैं। और इसके अलावा जो सिंचाई के लिए जलों के प्रकार हैं वो सिर्फ दो हैं। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 437 को देखिए। ऐतरेय ब्राह्मण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वैराज्य, जहाँ का कोई राजा न हो अर्थात गणराज्य, ये देखिए। और इसके अलावा महाराज्य के शासक को सम्राट कहा जाता था, भौज्य राज्य के शासक को राजा कहा जाता था। ये कुछ तथ्य दिए हुए हैं, तथ्य या कथन दिए हुए हैं और ये सभी ऐतरेय ब्राह्मण से संबंधित हैं। अब आपको ये बताना है कि इसमें से कौन से सही हैं। तो इसमें जितने भी दिए हैं वो सभी ठीक हैं, यहाँ कोई गलती नहीं है, ये सभी सही है। कैसे, देखिए, राजा की उत्पत्ति का सिद्धांत सबसे पहले ऐतरेय ब्राह्मण से ही प्राप्त होता है और अधिकारों में वृद्धि के परिणाम स्वरूप अलग अलग दिशाओं में राजाओं के अलग अलग नाम होते थे और चारों दिशाओं को जो जीत लेता था उसे एक राट्य कहा जाता था। एक राट्टी की उपाधि किसको मिली थी, याद करिए, ये एक राट की उपाधि किसे प्राप्त हुई थी, ऐसा राजा चारों दिशाओं का विजेता होता था, यह दिग्विजय हासिल कर लेता था। तो यहां पर कौन सा कथन सही होगा, डी वाला सही होगा। आगे बढ़ते प्रश्न संख्या 438 को देखिए। ऐतरेय ब्राह्मण से पता चलता है कि याज्ञवल्क्य ने राजा जनक से शिक्षा प्राप्त की थी। महर्षि वाला की गार्गे ने काशी नरेश अजात शत्रु से शिक्षा प्राप्त की थी। और देखिए आगे वाला कथन देखिए। ऐतरेय ब्राह्मण में सूत और ग्रामणी को कर्त्रि कहा जाता था, सूत और ग्रामणी जो होते थे इन्हें कर्त्रि कहा जाता था और पंच महायज्ञ ब्रह्मचर्य आश्रम में संपादित किए जाते थे। ये कुछ कथन है, चार कथन है। अब आपको विचार करके बताना है कि इसमें से कौन सा सही है, देख लीजिए। और इसका सही उत्तर हो जाएगा, यहाँ विकल्प पहले देख लीजिए, उत्तर देखिए, इसका सही उत्तर होगा ए, अर्थात केवल दूसरा वाला ही जो है वो ठीक है, केवल दूसरा वाला ही जो है वो सही है। यहाँ पे बाकी कथनों के बारे में देख लेते हैं। छांदोग्य उपनिषद में उल्लिखित है कि महर्षि बाला की गार्ग ने काशी नरेश अजात शत्रु से शिक्षा प्राप्त की थी। शतपथ ब्राह्मण में सूत और ग्रामणी को कर्त्री कहा जाता है, ये जो उल्लेख है ये कहाँ मिलता है, शतपथ ब्राह्मण में मिलता है। और यहाँ क्या लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है ऐतरेय ब्राह्मण, इस आधार पे तीसरा वाला कथन गलत हो जाता है। और देख लेते हैं, पंच महायज्ञ गृहस्थाश्रम में संपादित किए जाते थे। पंच महायज्ञ ब्रह्म यज्ञ, देव यज्ञ, पितृयज्ञ,
इसके अलावा भूत यज्ञ और मनुष्य यज्ञ होते थे। ये सब जो है ये गृहस्थ आश्रम में संपादित किए जाने वाले यज्ञ थे। और यहाँ पर किस आश्रम का नाम दिया है? ब्रह्मचर्य आश्रम का नाम दिया है। आप जानते हैं मनुष्य के जीवन को चार आश्रमों में बांट दिया गया था। सबसे पहले ब्रह्मचर्य होता था, उसके बाद गृहस्थ होता था। 25-25 साल का विभाजन था, अगर मनुष्य की आयु को 100 वर्ष का मान लिया जाए तो। और सबसे अंतिम आश्रम वो संन्यास होता था। तो यहाँ ऐसा जिक्र हमें कहाँ से प्राप्त होता है? ये हमें प्राप्त होता है पंच महायज्ञों के सिद्धांतों से। और ये ब्रह्मचर्य आश्रम के लिए नहीं संपादित किए गए थे, इनका संपादन हुआ था गृहस्थ आश्रम के लिए। इसके बाद भूत यज्ञ और मनुष्य यज्ञ, ये कुछ यज्ञों के प्रकार दिए हुए हैं। और गृहस्थ आश्रम से ही त्रिवर्ग, त्रिवर्ग का मतलब है धर्म अर्थ काम, इनकी प्राप्ति का ज्ञान होता था। गृहस्थ आश्रम में मनुष्य वैवाहिक जीवन व्यतीत करता था, उसके बाल बच्चे होते थे, उसका वंश आगे बढ़ता था। तो ये वाला जो यज्ञ है ये इसी आश्रम में किया जाता था। तो इस आधार पर हमने ए का चयन किया। अब चलते हैं आगे, प्रश्न संख्या 439 को देखिए। शतपथ ब्राह्मण के रत्नीनों का नाम दिया है और उनका पद ओहदा दिया हुआ है, ये किस पद से संबंधित है? तो स्थपित है, इसके अलावा तक्षण है, छत्री है और ये पालागल है। आपको बताना है कि इनका मेल किधर किया जाए, जो सूची दो है उनमें सही मिलान करना है। विदूषक का पूर्वज और राजा का साथी, इसके अलावा कंचुकी, मुख्य न्यायाधीश और बढ़ई, ये इनके कार्यभार हैं। मिलान करके देखिए और इसका सही उत्तर हो जाएगा बी। बी अर्थात सी डी बी ए, पहले वाले का सी, दूसरे वाले का डी, तीसरे वाले का बी और चौथे वाले का ए। व्याख्या देख लीजिए, शतपथ ब्राह्मण में सर्वाधिक 12 रत्निनों का उल्लेख मिलता है। 12 प्रकार के रत्निनों का यहाँ पे जिक्र मिलता है। इन्हें रत्निन इसलिए कहा जाता था क्योंकि ये कान में रत्न धारण करते थे। इनका जो नाम रत्निन रखा गया है तो इसके पीछे रीजन क्या है, ये कान में रत्न धारण किया करते थे। और सबसे प्रमुख रत्निन सेनापति या सेनानी होता था। इसे देख लीजिए, पुरोहित का दूसरा स्थान था, पुरोहित जो है ये दूसरे नंबर पर होता था। ये सब जिक्र हमें कहाँ मिलता है, ये शतपथ ब्राह्मण से प्राप्त होता है, ये व्याख्या हम यहाँ देख रहे हैं। आगे चलते हैं 440वें प्रश्न को देख लीजिए। ब्रह्मचर्य आश्रम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मुख्यतः 25 वर्ष की उम्र तक बालक शिक्षा प्राप्त करते थे, पहला कथन है। दूसरा कथन ये है कि ऐसे ब्रह्मचारी जो जीवन पर्यंत शिक्षा ग्रहण करते थे उन्हें नैष्ठिक कहा जाता था, उनका जो नाम था वो नैष्ठिक था। वे कन्याएं जो आश्रम में रहकर जीवन भर शिक्षा प्राप्त करती थी उन्हें साध्योवधु कहा जाता था। अब आप बताइए इसमें से कौन सा सही है? तो केवल पहला और दूसरा सही है, इसमें सिर्फ पहला और दूसरा ठीक है। 25 वर्ष की उम्र वाली बात ठीक है, और जो ब्रह्मचारी जीवन भर ज्ञान प्राप्त करते थे, मतलब शिक्षा ग्रहण करते थे, उन्हें नैष्ठिक कहा जाता था। आगे चलते हैं, इसकी व्याख्या देख लीजिए। ऐसे ब्रह्मचारी जो जीवन पर्यंत शिक्षा ग्रहण करते थे उन्हें नैष्ठिक कहा जाता था। निश्चित समय तक शिक्षा प्राप्त करने वाले ब्रह्मचारी को उपकुर्वाण कहा जाता था। दोनों के लिए अलग अलग नाम इस्तेमाल होते थे। कुछ ऐसे लोग होते थे जो जीवन पर्यंत शिक्षा ग्रहण करते थे वो नैष्ठिक होते थे, और कुछ एक सीमित समय के लिए शिक्षा ग्रहण करते थे और उसके बाद ब्रह्मचर्य से गृहस्थ आश्रम में प्रवेश कर जाते थे, तो ऐसे लोग उपकुर्वाण कहलाते थे। और वे कन्याएं जो आश्रम में रहकर जीवन भर शिक्षा प्राप्त करती थी उन्हें ब्रह्मवादिनी कहा जाता था, वे ब्रह्मवादिनी होती थी। जबकि विवाह पूर्व तक शिक्षा प्राप्त करने वाली महिलाएं, मतलब कन्याएं, ये साध्योवधु कहलाती थी। तो ये अलग अलग अंतर है। आगे चलते हैं, इस आधार पे हमने सी का चयन किया। बौधायन धर्म सूत्र के अनुसार यहाँ पर उपनयन संस्कार के बारे में कुछ चीजें कही गई हैं। उपनयन संस्कार मतलब जो जनेऊ होता है, इसे यज्ञोपवीत भी कहते हैं। तो ब्राह्मण बालक का गायत्री मंत्र द्वारा वसंत ऋतु में 8 वर्ष की अवस्था में उपनयन संस्कार होता था, मतलब जनेऊ से पहना दिया जाता था, जो कंधे से एक धागा धारण किया जाता है। और क्षत्रिय बालक का ग्रीष्म ऋतु में ये त्रिष्टुप मंत्र द्वारा 11 वर्ष की अवस्था में उपनयन संस्कार होता था, मतलब उसे यज्ञोपवीत पहना दिया जाता था। और वैश्य बालक का जो उपनयन संस्कार था वह होता ही नहीं था, यह सब कहा गया है बौधायन धर्म सूत्र में। अब आप बताइए इसमें से कौन सा गलत है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, केवल तीसरा वाला। केवल तीसरा वाला जो स्टेटमेंट है वो ठीक नहीं है, बाकी दोनों सही है। जो सही नहीं था हमें उसका चुनाव करना था। व्याख्या देख लेते हैं। तो वैश्य बालक का उपनयन संस्कार ये शरद ऋतु में होता था। हर जाति के लिए अलग अलग मौसम बटा हुआ था, ये सब जाति व्यवस्था का भेदभाव है। तो मौसम के आधार पर यहाँ पे उपनयन संस्कार होता था। तो
तो यह शरद ऋतु में किया जाता था जगति मंत्र द्वारा। यह 12 वर्ष की अवस्था में होता था। तो सबसे पहले ब्राह्मण बालक का होता था मात्र 8 वर्ष की अवस्था में, यहाँ आप देख सकते हैं। और इसका जो उपनयन संस्कार है उसके लिए मंत्र गायत्री मंत्र का इस्तेमाल किया जाता था। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 442 की ओर। यहाँ देखिए, उत्तर वैदिक काल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस काल में कर वसूलने वाले अधिकारी को भागदूत कहा जाता था। जो कर वसूलने वाला अधिकारी होता था वो भागदूत कहलाता था। और हाथी का भी पालना इस समय शुरू हो गया था, यानी हाथी भी पाला जाने लगा था। और इस काल में अतिथि को गोधन कहा जाता था, गोधन के नाम से संबोधित किया जाता था। तो इसका उत्तर देखिए डी होगा। इसमें कौन सा सही है पूछा है, तो सीधा सीधा है, इसमें सभी सही है, जितना दिया है वो ठीक है। कैसे ठीक है आइए देख लें। उत्तर वैदिक काल में हाथी को पालना आरंभ हो गया था और इसके लिए हस्ती या वारण शब्द मिलता है। हाथी के लिए हस्ती या वारण शब्द का इस्तेमाल मिलता है। हाथी पर अंकुश रखने वाले को हस्तिप कहा जाता था, जिसे कि आजकल हम लोग महावत के नाम से जानते हैं। और यज्ञों के अतिरिक्त अन्य स्थानों पर गोवध करने पर मृत्युदंड दिया जाता था। इसका मतलब ये है कि यज्ञों में गाय की बलि भी चढ़ाई जाती थी, और जगहों पे यह मृत्युदंड की तरह होता था। और इस काल में गाय, बैल, गधे, बकरी, सुअर आदि प्रमुख रूप से पाले जाते थे, यानी विभिन्न प्रकार के पशुओं का पालन ये उत्तर वैदिक काल में आरंभ हो गया था। आगे चलते हैं, इसका डी वाला सही है। प्रश्न संख्या 443 को देखिए। उत्तर वैदिक काल में फसल मुख्यतः 2 प्रकार की होती थी। शतपथ ब्राह्मण में ऋण शब्द के लिए कुशीद शब्द मिलता है, ऋण के लिए कुशीद शब्द का इस्तेमाल मिलता है। और उत्तर वैदिक काल में सृजन के देवता प्रजापति को सर्वोच्च स्थान मिला हुआ है। उत्तर वैदिक काल में प्रत्येक वेद के अपने पुरोहित होते थे। इस तरह के 4 कथन यहाँ दिए हुए हैं। आपको ये बताना है कि इसमें से कौन सा सही है, जो सही हो उसका आपको चयन करना है, बताइए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, अर्थात 1, 3 और 4। बी मतलब ये वाला। कैसे होगा देखते हैं। तो उत्तर वैदिक काल में फसल मुख्यतः 2 प्रकार की होती थी। पहला वाला ठीक है, फसल मुख्यतः 2 प्रकार की होती थी। कौन कौन सी होती थी, तो कृष्टिपच्य होती थी, अर्थात खेती करके पैदा की जाने वाली फसल, इस तरह की फसल होती थी। और दूसरा अकृष्टिपच्य होती थी, यानी बिना खेती के ही पैदा होने वाली फसल। ये 2 वेराइटी थी फसलों की। और इसके अलावा तैतित्तरीय संगीता में ऋण शब्द के लिए कुशीद शब्द मिलता है, ये तैतित्तरीय संगीता में है। और यहाँ दिया हुआ है शतपथ ब्राह्मण, इसलिए दूसरा वाला जो है वो गलत हो जाता है, दूसरा स्टेटमेंट इसीलिए गलत है। और तीसरा और चौथा सही है, यहाँ आप उसका प्रमाण देख सकते हैं। उत्तर वैदिक काल में प्रत्येक वेद के अपने पुरोहित हो गए थे। इन पुरोहितों के अपने सहायक भी होते थे, इनके असिस्टेंट होते थे। इन सब पर याज्ञिक कर्म कांडों पर नजर रखने वाले पुरोहित को ब्राह्मण या यहाँ पे ऋत्विज कहा जाता था। जो यज्ञ संबंधी कर्म कांड नियम कायदे थे उनकी देख रेख करने वाला व्यक्ति ऋत्विज कहलाता था। तो ये सब चीजें हैं, और इस आधार पे हमने इसमें चयन किया है विकल्प बी का, अर्थात पहला, तीसरा और चौथा ये सत्य है, सही उत्तर का चयन करना था। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 444 की ओर। गुहा सूक्तों में या गुहा सूत्रों में 14 प्रकार के संस्कारों की मान्यता है। यहाँ विकल्प और उत्तर आप सभी देख रहे हैं। गुहा सूत्रों में 14 प्रकार के संस्कारों की मान्यता है। सूत्रकाल में ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य को एक साथ द्विज कहा जाता था, इनके लिए द्विज शब्द इस्तेमाल किया जाता था। उत्तर वैदिक काल में कर का भार केवल वैश्यों पर था, और तुम्हारा अधिकार केवल कर्म पर है, ये कथन है, तुम्हारा अधिकार केवल कर्म पर है, फल की प्राप्ति पर नहीं, ऐसा गीता में कहा गया है। तो ये तो श्लोक है, आप जानते ही हैं, गीता से संबंधित भी है कि कर्म करो, फल की चिंता मत करो, ये श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा है। तो इस प्रकार से 4 कथन आपके सामने हैं। आपको ये बताना था कि इसमें से कौन सा गलत है, कौन सा सही नहीं है, जो सही ना हो उसका चयन करना था। तो सिर्फ पहला वाला इसमें सही नहीं है, इस उत्तर के आधार पे इसका सिर्फ जो पहला स्टेटमेंट है वो गलत है, बाकी तीनों इसमें ठीक है, बाकी तीनों कथन सही है। व्याख्या देख लीजिए। गुहा सूत्रों में 16 प्रकार के संस्कारों की मान्यता है, और यहाँ कितना दिया है, 14 दिया है। 16 संस्कार होते हैं, कौन कौन से होते हैं, गर्भाधान होता है, पुंसवन होता है, सीमंतोनयन होता है, इसके बाद जात कर्म होता है, नामकरण होता है, नामकरण जो है ये जन्म के 10वें या 12वें दिन होता है, निष्क्रमण होता है, अन्नप्राशन होता है, चूड़ा कर्म होता है, कर्ण भेदन होता है, विद्यारंभ होता है, इसके बाद उपनयन मतलब यज्ञोपवीत होता है, वेदारंभ होता है, केशांत होता है, समावर्तन होता है, विवाह होता है, और
इसके बाद मृत्यु हो जाती है तो अंत्येष्टि होती है। मतलब पहले माता के गर्भ में बालक आता है तो गर्भाधान होता है, इसके बाद पुंसवन संस्कार किया जाता है, सीमंतोनयन होता है, ये सब गर्भावस्था में होते हैं। इसके बाद जब बच्चा जन्म लेता है तो उसका जात कर्म होता है, फिर इसके बाद नामकरण होता है, नाम रखा जाता है। इसके बाद निष्क्रमण होता है, मतलब उसको सौर गृह से बाहर निकाला जाता है। इसके बाद अन्नप्राशन होता है, यानी कुछ उम्र और हो जाती है, मतलब अवस्था थोड़ी परिपक्व हो जाती है तो उसे अनाज खिलाया जाता है, उससे पहले वो माँ के दूध पर जीवित रहता है। फिर चूड़ा कर्म किया जाता है, यानी सिर मुड़ा दिया जाता है, ये हिंदू संस्कारों की बात हो रही है, तो मुंडन करवाया जाता है तो उसी को कहते हैं चूड़ा कर्म। इसके बाद कान छिदवाने का भी रिवाज पहले था, आज के समय में तो कान छिदवाने का जो रिवाज है वो बहुत धीमा पड़ गया है। कभी कभी लड़के भी छिदवा लेते हैं और कभी कभी लड़कियां भी नहीं छिदवाती, लेकिन पहले के समय में ये सबके लिए अनिवार्य माना जाता था। तो ये चूड़ा कर्म के बाद कर्ण भेदन होता था और कान छिदवाने के बाद तब विद्यारंभ आरंभ हो जाता था, मतलब पढ़ाई लिखाई यहाँ से चालू होती थी। और जब पढ़ाई चालू होती थी तो सबसे पहले इसमें उपनयन किया जाता था, मतलब पहले जनेऊ पहनाया जाता था, तब जो है बच्चे गुरु के आश्रम में जाते थे, गुरुकुल में जाते थे शिक्षा ग्रहण करने के लिए। यहाँ से ब्रह्मचर्य आश्रम की शुरुआत होती थी, मतलब वास्तविक रूप से आरंभ होता था। वैसे तो ब्रह्मचर्य आश्रम जन्म से लेके आयु के 25 वर्ष तक चलता है, ऐसा माना जाता है। इसके बाद फिर पढ़ाई आरंभ होती थी, आप देख रहे हैं वेदारंभ, वेदारंभ मतलब शिक्षा आरंभ होती थी। केशांत तो होता था, वहाँ भी बाल छीले जाते थे। इसके बाद समावर्तन होता था, यानी वहाँ से पढ़ लिख कर अनुमति प्राप्त करके लौटते थे, संपूर्णता आती थी। और इसके बाद तब विवाह होता था और अंतिम जो संस्कार होता है वो अंत्येष्टि का होता था, मतलब दाह संस्कार। तो ये जो है 16 संस्कार हैं जिनका गुहा सूत्रों में वर्णन मिलता है और बाकी जो है इसमें आप देख ही सकते हैं। तो इस आधार पे हम गलत कथन का यहाँ चुनाव कर रहे थे, तो हमने ए का चुनाव किया जो कि सही नहीं था, पहला वाला इसमें सही नहीं। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 445 को देखिए। वैदिक देवता वरुण के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नैतिक व्यवस्था के संरक्षक थे, झंझावात के देवता थे यानी आधी तूफान के देवता थे, पापियों को ये दंड देते थे और ये वर्षा के देवता थे। अब आपको ये बताना है कि इसमें से कौन सा सही है, बताइए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, अर्थात पहला और तीसरा, पहला और तीसरा, इसे देख लीजिए। प्रश्न संख्या 446 को देखिए। पुरुष सूक्त के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह ऋग्वेद के 7वें मंडल में आया है, मतलब पुरुष सूक्त का उल्लेख जहाँ से जाति व्यवस्था वर्ण व्यवस्था दिखाई दी है वह ऋग्वेद के 7वें मंडल में है। इसमें ब्राह्मण का आद्य पुरुष के मुख से, यानी ब्रह्मा जी जो है आद्य पुरुष उन्हीं को कहा गया है, उनके मुख से निसृत होने का उल्लेख मिलता है, बाहर निकलने का उल्लेख प्राप्त होता है। यह श्रेणीबद्धता के उदय को व्यक्त करता है। यह उस समय उद्भूत हुई सामाजिक संरचना का धार्मिक अनुमोदन करता है। ये 4 कथन है पुरुष सूक्त के बारे में। आप देख लीजिए इसमें से कौन सा सही है, आपको बताना है। तो इसमें पहले को छोड़कर बाकी सभी सही है, ये 7वें मंडल में नहीं है, बाकी दूसरा तीसरा और चौथा इसमें सत्य है। दूसरा भी सही है, तीसरा भी सही है और चौथा भी सही है। पहला गलत है, 7वें मंडल में ये नहीं आया है। तो ये कहाँ आया है आप बताइएगा। पुरुष सूक्त का वर्णन ऋग्वेद के किस मंडल में। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। यहाँ पर 4 वर्णों में समाज को बांटा गया था, आपने देखा है। 447वां प्रश्न देखिए। उपनिषदों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मुंडकोपनिषद में यज्ञ की तुलना टूटी नाव से की गई है, टूटी नौका से की गई है। टूटी नौका से किसकी तुलना की गई है, यज्ञ की गई है। इसके बाद उपनिषदों ने भी कर्म कांडों पर बल दिया है। आत्मा अपरिवर्ती अविनाशी और अमर है, ऐसा उपनिषदों में कहा गया है। आत्मा और ब्रह्म का भेद अज्ञान अथवा अविद्या द्वारा होता है, अविद्या और अज्ञान के द्वारा इसका अंतर होता है। ये सब चीज़ें उपनिषदों में कही गई हैं। अब ये कौन कौन सा इसमें सही है ये आपको पता होना चाहिए। अगर आपको इसमें सही कथन की पहचान होगी तभी आप गलत को छांट पाएंगे। इस पूरे प्रश्न में आपको गलत विकल्पों का चयन करना है, जो गलत कथन है उनका चयन करना है, कौन सही नहीं है बताइए। और देख लीजिए केवल दूसरा, केवल जो दूसरा है वो सही नहीं है, बाकी सब ठीक है इसमें। आगे चलते हैं। शूद्रों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वैदिक काल में वे दास तथा श्रमिक थे, वैदिक जो युग था उसमें वे दास और श्रमिक के रूप में देखे जाते थे।
शतपथ ब्राह्मण में इन्हें धार्मिक क्रियाओं में भाग लेने की अनुमति नहीं है। कौटिल्य व्यवसाय के रूप में इन्हें कृषि कर्म करने की अनुमति देता है और पूर्व मध्य काल में ये सत तथा असत के वर्ग में सम्मिलित हो जाते हैं, मतलब ये सम्मिलित थे। अब आपको ये बताना है कि इसमें से कौन सा सही है, सही उत्तर का चयन करना है, ये शूद्रों के संदर्भ में है और इसका सही विकल्प हो जाएगा डी अर्थात सभी। जितने कथन है वो सभी सही है। आगे चलते हैं। नारद स्मृति में स्त्री को द्वितीय पति प्राप्ति करने की अनुमति मिली हुई है जिसका प्रथम पति, मतलब यहाँ पे महिला को दूसरी दूसरा विवाह करने की आज्ञा मिली हुई है, लेकिन किस अवस्था में, जब उसका पहला पति जो है वो या तो नपुंसक हो जाए, या जातिच्युत हो गया हो, या दिवंगत हो गया हो मतलब मर गया हो, या फिर प्रवज्रित हो गया हो। आप बताइए इनमें से कौन सा सही है, मतलब किस अवस्था में स्त्री दूसरा विवाह कर सकती है। तो इसका विकल्प भी देख लीजिए और उत्तर देखिए। इन सभी परिस्थितियों में जितनी यहाँ स्थितियों का वर्णन किया गया है इसमें महिला दूसरा विवाह कर सकती है, नपुंसक होने की अवस्था में, जाति से निकाले जाने की अवस्था में, मर जाने की स्थिति में, या फिर प्रवज्रित हो जाने की अवस्था में, इन सभी कंडीशन में जो स्त्री है वो दूसरा विवाह कर सकती है। आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 450 को देखिए। दक्षिण भारत के मस्की से महापाषाणिक कब्रों के प्रमाण प्राप्त हुए हैं, ये कब्रें हैं जिनका प्रूफ प्राप्त हुआ है। शूलमणि के रचयिता जैन लेखक तोला मोली थे। इसके बाद संगम युग में गुप्तचरों को गूढ़ पुरुष कहा जाता था और संगम युग में भूमि के 8 प्रकारों का उल्लेख प्राप्त होता है। आपको ये बताना है कि इसमें से कौन सा सही है, बताइए। सही उत्तर का आपको चयन करना है और इसका उत्तर हो जाएगा ए अर्थात केवल 1 और 2। सही विकल्प का चयन करना था तो सिर्फ पहला और दूसरा। कैसे, व्याख्या देख लीजिए। दक्षिण भारत के मस्की संगनकल्लू हल्लूर और कुनत्तर, इसके अलावा तिरुक्कम, यहाँ से महापाषाणिक कब्रों के प्रमाण प्राप्त हुए हैं। महापाषाणिक जो कब्र है वो यहाँ से मिली है, ये बात सही है। और संगम युग में जो गुप्तचर थे उन्हें ओरार कहा जाता था, गूढ़ पुरुष नहीं कहा जाता था, गूढ़ पुरुष तो मौर्य काल में कहा जाता था। इसके बाद आगे, संगम युग में भूमि के 5 प्रकार मिलते हैं और यहाँ कितना दिया है, 8 दिया है। इस आधार पे जो चौथा है वो भी गलत हो जाता है, सिर्फ पहला और दूसरा इसमें सत्य है। कौन कौन सी भूमि थी, तो ये मरुदम थी, कुरिंची थी, मुल्लय थी, नेथल थी और पाले थी, ये संगम युगीन भूमि का वर्णन है। इस आधार पे हमने ए का चयन किया। अब प्रश्न संख्या 451 की ओर बढ़ते हैं। यहाँ देखिए ये राजाओं के नाम है और उनके राज्यों के संबंधित राज्यों के नाम है, इसे देख लीजिए। उदयन जेरल है, इसके अलावा नेडुंजेलियन है, पारी है और सेन गणान है, चेर नरेश, पांडे नरेश, पल्लव नरेश और चोल नरेश। विकल्प आपके सामने है, हमें ये बताना है कि कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, जिनका सुमेल ना हो हमें उसका यहाँ पे चयन करना है, चुनाव करना है। बताइए केवल पहला दूसरा, केवल पहला तीसरा, केवल तीसरा या केवल चौथा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी वाला अर्थात केवल तीसरा, ये वाला, ये जो है ये सही सुमेलित नहीं है। आगे बढ़ते हैं। सिकंदर द्वारा भारत में विजित क्षेत्र में नियुक्तियों के संदर्भ में विचार कीजिए। जो नियुक्तियाँ की गई थी उसके बारे में हमें यहाँ सोचना है। प्रथम प्रांत सिंधु के उत्तरी तथा पश्चिमी भाग को आम्भीक के अधीन कर दिया था। आम्भी के अधीन इन्होंने कर दिया था क्योंकि इस राजा ने सिकंदर का सहयोग किया था। इसके बाद दूसरा प्रांत सिंधु तथा झेलम के बीच के भूभाग को बनाया गया था और यहाँ क्षत्रप फिलिप को नियुक्त किया गया था। अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग राजाओं की नियुक्ति की गई थी। तीसरा प्रांत झेलम नदी के पूर्वी भाग व्यास नदी मतलब व्यास नदी का जो तट था वहाँ तक के क्षेत्र को बनाया गया था और यहाँ का शासन पोरस को सौंपा था। चौथा प्रांत सिंधु नदी के निचले भाग को बनाया था और यहाँ पिथोन को क्षत्रप नियुक्त किया था। ये 4 कथन है। अब आपको ये बताना है कि इसमें से कौन सा सही है, बताइए। तो इसका उत्तर हो जाएगा सी अर्थात तीसरा और चौथा। इसमें जो सही कथन है वो तीसरा और चौथा है, तीसरे प्रांत के बारे में और चौथे प्रांत के बारे में। महाराज पुरुषोत्तम को तीसरा प्रांत जो कि झेलम नदी के पूर्वी भाग व्यास नदी तक का जो क्षेत्र था वो सौंपा गया था
और इसके अलावा चौथा प्रांत सिंधु नदी के निचले भाग को बनाया गया था, जहां पिथौन को क्षत्रप नियुक्त किया गया था। आगे चलते हैं, व्याख्या देख लीजिए। यहाँ पर सिकंदर ने भारत से वापस जाते समय भारत में जो विजित भाग था, जो उसने जीता था, उसे चार प्रशासनिक इकाइयों में बांट दिया। प्रथम प्रांत सिंधु के उत्तरी और पश्चिमी भाग को बनाया गया, जहाँ का क्षत्रप फिलिप को नियुक्त किया गया। और दूसरा प्रांत सिंधु और झेलम के बीच के भूभाग को बनाया गया, जहाँ का शासन आम्भी के अधीन कर दिया गया। तो पहला और दूसरा वहाँ पे गलत हो जाते हैं। इस आधार पे हम तीसरे और चौथे का चयन करते हैं और हमारा सी वाला विकल्प सही हो जाता है। प्रश्न संख्या 453 को देखिए। सिकंदर आंधी की तरह आया और चला गया, परंतु भारत अपरिवर्तित रहा, भारत में कोई बदलाव नहीं हुआ। ये कथन रैपसन का है, ऐसा कहा गया। और देखिए, जैन धर्म में दूसरा विद्रोह जामाली के 2 वर्षों बाद 30 गुप्त ने किया था। जैन धर्म में पहला विद्रोह किसने किया था? जामाली ने किया था। जामाली के बारे में आप जानते ही हैं, ये महावीर स्वामी के जामाता थे, दामाद थे, और इनके 2 वर्षों बाद 30 गुप्त ने किया था, ऐसा कहा गया। और महावीर ने अपने जीवन काल में ही 11 अनुयायियों के एक संघ की स्थापना की थी। इसके अलावा माध्यमिक कारिका, इसकी रचना मैत्रेयनाथ ने की है। ये चार कथन है, आपको ये बताना है कि इसमें से कौन से सही है, इन कथनों में से कौन कौन से सही है, बताइए। और अब उत्तर देखिए, इसका बी वाला होगा, मतलब दूसरा और तीसरा। दूसरा सही है और तीसरा सही है, कैसे सही है देख लीजिए। सिकंदर आधी की तरह आया और तूफान की तरह चला गया, लेकिन भारत बदला नहीं। ये जो कथन है ये विंसेंट स्मिथ का है, तो पहला वाला गलत हो जाता है। महावीर ने अपने जीवन काल में ही 11 अनुयायियों के एक संघ की स्थापना की गई, मतलब स्थापना कर दी इन्होंने। और यही जो है, मतलब जो ये अनुयायी थे, इन्हें गणधर कहा गया, इन्हीं को गणधर के नाम से पुकारा गया। तो इसमें जो ये वाला स्टेटमेंट है, तीसरा वाला, इसे आप देखिए, आपने बी का चयन किया है, तो तीसरे वाले स्टेटमेंट को आप देख लीजिए। और देखिए इसके बाद अगली व्याख्या को, माध्यमिक कारिका, इसकी रचना शून्यवाद के प्रवर्तक नागार्जुन ने की थी, तो रचयिता का नाम गलत दिया है। इसके अलावा शून्यता सप्ती और विग्रह व्यावर्तनी, इस तरह के जो ग्रंथ हैं, विग्रह व्यावर्तनी और इसके अलावा शून्यता सप्ती, ये ग्रंथों के नाम है, किताबों के नाम, तो ऐसे ग्रंथों की भी रचना ये शून्यवाद के प्रवर्तक नागार्जुन के द्वारा की गई। तो यहाँ किताब के रचयिता का नाम गलत दिया है, तो इस आधार पर हमने बी का चयन किया, दूसरा और तीसरा यहाँ सत्य है, विद्रोह वाली बात सही है और अनुयायियों की संख्या सही है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न संख्या 454 को देखिए, 454। जैन गुण व्रतों में शामिल नहीं है, जैन गुण व्रत जो है इनमें कौन कौन शामिल नहीं है? प्रत्येक गृहस्थ को सुविधा अनुसार अपने कार्य क्षेत्र की सीमा निर्धारित करनी चाहिए, केवल योग्य तथा अनुकरणीय कार्य ही करना चाहिए, दान पूजा आदि करनी चाहिए, भोजन तथा भोग की सीमा निर्धारित करके उसका उल्लंघन नहीं करना चाहिए, मतलब संयमित जीवन बिताना चाहिए, ऐसा कहा गया। अब बताना है कि इनमें से कौन सा सही है जैन गुण व्रतों के आधार पे, बताइए। और इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, केवल तीसरा वाला। यहां पर दिया क्या है, शामिल जो न हो उसे हमें चुनना है, तो कौन सा शामिल नहीं है? ये तीसरा वाला ही दिख रहा है साफ साफ, दान पूजा आदि करना ये इसका हिस्सा नहीं है, बाकी जितनी भी संयम की बात की गई है, संयमित दिनचर्या की बात की गई है, वो सभी इसमें शामिल है, तो तीसरा वाला इसमें बाहर हो जाएगा, इसलिए हम सी विकल्प का चयन करते हैं। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 455 को देखिए। जैन धर्म के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसके अनुसार जीव में 2 तत्व, एक आत्मा और दूसरा इसे घेरने वाला भौतिक तत्व सदैव विद्यमान रहता है, मतलब एक तत्व तो आत्मा है और उसे घेरने वाला ये शरीर है जो कि भौतिक तत्व है, ये सब जैन धर्म में कहा गया है। और अज्ञानता के कारण कर्म जीव की ओर आकर्षित होने लगता है, जिसे कि आश्रव कहा जाता है। कर्म का जीव के साथ संयुक्त हो जाना बंधन है, जब कर्म और जीव एक साथ मिल जाते हैं तो ये बंधन की स्थिति बनती है। और पंच अणुव्रतों का अनुसरण करने से कर्मों का जीव की ओर से बहाव रुक जाता है और बंधन वाली स्थिति जो है उससे मुक्ति मिलती है, जिसे कि संवर कहा जाता है। ये कथन है, अब आपको ये बताना है कि कौन सा सही है। चार कथन है, आपको सही का चुनाव करना है, बताइए। और उत्तर देखिए, इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, अर्थात पहला दूसरा और तीसरा, पहला दूसरा और तीसरा ये तीनों ही सही है। व्याख्या देख लेते हैं, तो व्याख्या के अनुसार त्रिरत्नों में कहा गया है उनका अनुसरण करने से, मतलब जो 3 रत्न हैं
उनका अनुसरण करने से कर्मों का जीव की ओर से वहां रुक जाता है और इसे संवर कहा जाता है। इसके बाद पहले से व्याप्त कर्म समाप्त होने लगते हैं और इस अवस्था को निर्जरा कहा जाता है। यहाँ अलग अलग शब्दों का इस्तेमाल किया गया, इसे ध्यान दीजिएगा। पहले तो संवर शब्द का इस्तेमाल किया गया है, इसमें क्या होता है, कर्मों का जीव की ओर बहाव रुक जाता है। इसके बाद जो पहले से व्याप्त कर्म है जब वह समाप्त होने लगते हैं तो इस अवस्था को निर्जरा कहा जाता है। मोक्ष के पश्चात जीव आवागमन के चक्र से छुटकारा पा जाता है, मतलब बार बार जो जन्म मृत्यु का चक्कर चलता रहता है उससे उसे मुक्ति मिल जाती है और वह अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन और अनंत वीर्य, इसके अलावा अनंत सुख की प्राप्ति कर लेता है। जैन ग्रंथों में इसे अनंत, यहाँ आप देख सकते हैं, जैन ग्रंथों में इसे अनंत चतुष्टय कहा गया है। यही जो अवस्था है, इस अवस्था को यहाँ अनंत चतुष्टय के नाम से जाना गया है। चार चीज़ों का वर्णन किया गया है, तो ये अलग अलग स्थितियाँ हैं और इस आधार पर हमने ए का चयन किया। ए अर्थात इसमें पहला, दूसरा और तीसरा सही है, जो चौथा था वो गलत हो गया। इसमें पंच अणु व्रतों के अनुसार नहीं कहा गया है, ये त्रिरत्नों का कहना है। आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या 456 को देखिए। सप्तभंग में शामिल है, सप्तभंग में कौन शामिल है? स्यात अस्ति, स्यात नास्ति, स्यात अस्ति च नास्ति, इसके अलावा स्यात अव्यक्तम, इसे आप देख रहे हैं। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है? कोड यहां लिखा हुआ है, कोड मतलब विकल्प है आपके सामने, चयन कीजिए कौन कौन सा इसमें शामिल है सप्तभंग में, और इसका उत्तर हो जाएगा डी, अर्थात सभी, जितने हैं वो सभी। सप्त मतलब सात, तो यहाँ सात इनका क्रम है। सात क्रमिक पद के कारण इन्हें सप्तभंगी, यहाँ पे सप्तभंगीने कहा जाता है। स्यात अस्ति, स्यात नास्ति, स्यात अस्ति च नास्ति और स्यात अव्यक्तम, इसके अलावा स्यात अस्ति च अव्यक्तम और स्यात नास्ति च अव्यक्तम, इसके अलावा स्यात अस्ति च नास्ति च अव्यक्तम च, मतलब इस तरीके के इसमें जो टर्म है, एक तरह से अवस्थाएं हैं वो जुड़ी हुई हैं। ये सात क्रमिक पद हैं और इसीलिए इनका नाम है यहाँ पे सप्तभंग, ये सप्तभंग है। तो इसमें कौन कौन शामिल है? ये सभी शामिल हैं, इसलिए हमने डी का चयन किया। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, 457वां देखिए। जैन गणधरों के नामों का उल्लेख किसमें मिलता है? कल्प सूत्र में मिलता है, आवश्यक चूर्णी में मिलता है, इसके अलावा आवश्यक निर्मुक्ति में मिलता है या फिर प्रभा कमल मार्तंड में मिलता है। आपको कोड का उपयोग करके सही उत्तर तक पहुंचना है और इसका उत्तर हो जाएगा बी। बी का मतलब है एक, दो और तीन, पहला, दूसरा और तीसरा, पहला, दूसरा और तीसरा। जैन गणधरों के नामों का उल्लेख यहाँ से प्राप्त होता है। व्याख्या देख लीजिए, 11 गणधर हैं, महावीर स्वामी के द्वारा बनाए गए हैं। इंद्रभूति है, अग्निभूति है, वायुभूति है, इसके अलावा व्यक्त, सुधर्मन, मंडित, मौर्य पुत्र, अंकिपित और अचल भ्राता, मेतार्य और प्रभाष, ये नाम है 11 गणधरों के। आगे बढ़ते हैं 458वें प्रश्न को देखिए। यहाँ दो सूचियाँ हैं और इनका सही मेल हमें करना है। गिरनार शिलालेख, भब्रू शिलालेख, इसके अलावा कालसी और रामपुरवा, इसे खोजने वाले व्यक्तियों के नाम है लेफ्टिनेंट कर्नल टार्ड, फॉरेस्ट कार्लाइल और कैप्टन बर्ट, इनका सन भी दिया हुआ है। आप बताइए इनका सही मिलान क्या होगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, अर्थात ए डी बी सी, पहले वाले का ए, दूसरे वाले का डी, तीसरे वाले का बी और चौथे वाले का सी। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 459 को देखिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सबसे पहले ग्रुन वेडेल ने बताया कि मयूर मौर्यों का राजवंशीय चिन्ह था, राज चिन्ह जो था वो मोर था मौर्य काल में, और ट्रिम्परेंडिस की जो संधि थी, ट्रिम्परेंडिस की जो संधि थी वह 319 ईसा पूर्व में हुई थी, ऐसा कहा गया। चाणक्य को चंद्रगुप्त बोधगया में खेलते हुए मिला था। तो ये कहानी तो प्रचलित है कि एक पत्थर का सिंहासन बना के उस पर राजा, मतलब राजमहल का एक खेल हो रहा था, राज दरबार लगा हुआ था और उसमें राजा के रूप में चंद्रगुप्त मौर्य अभी बच्चा था, वो एक पत्थर पे विराजमान था और उसकी बातों को सुनकर, उसके दिए गए निर्णयों को सुनकर चाणक्य को ऐसा लगा कि ये जो लड़का है ये कुछ कर सकता है, और फिर उन्होंने इसे मतलब ले लिया और शिक्षा, इसको शिक्षा प्रदान की, बाद में इसे मोहरा बनाया नंदवंश के संहार के लिए, ये बात आप जानते हैं। तो यहाँ हमें ये बताना है कि चाणक्य को चंद्रगुप्त बोधगया में खेलते हुए मिला था या नहीं। और देखिए, चंद्रगुप्त के पुत्र का उल्लेख जैन ग्रंथ राजावली कथा में मिलता है, आप बताइए इसमें से कौन सा कथन सही है।
सभी सही है या फिर कुछ ही सही है? और विकल्प देखिए, इसका सी वाला होगा। सी वाला कैसे होगा, व्याख्या देख लीजिए। सिकंदर के सेनापतियों में 321 ईसा पूर्व में ट्रिपरेंडिस की संधि हुई थी। 321 ईसा पूर्व में हुई थी और यहाँ सन गलत दिया हुआ है, 319 दिया है, इसलिए दूसरा वाला स्टेटमेंट गलत हो जाता है। और हमें सही का चुनाव करना था, तो इसमें सही कौन कौन सा है? पहला और चौथा सही है। पहला वाला स्टेटमेंट सही है और चौथा वाला सही है, बाकी जो दूसरा और तीसरा है वो गलत है। चाणक्य चंद्रगुप्त कथा के अनुसार चाणक्य की भेंट चंद्रगुप्त से विंध्याचल के जंगलों में राजकीलम नामक खेल खेलते हुए हुई थी। उससे प्रभावित होकर चाणक्य ने चंद्रगुप्त को 1000 कारशाड़पण में खरीद लिया था, मतलब यहाँ पे खरीद लिया गया था उसे, और उसे तक्षशिला में ले जाकर 7-8 वर्षों तक विविध कलाओं की शिक्षा दी थी। मतलब चाणक्य ने उसके अंदर के योग्य राजा को पहचान लिया था। और ये कहाँ पर भेंट हुई थी, तो ये विंध्याचल के जंगलों में, पहाड़ी इलाके में भेंट हुई थी, जहाँ पे राजकीलम नाम का खेल चल रहा था। ये एक प्रकार का नाटक था जिसमें राजा दरबार लगाकर समस्याओं का निपटारा करता था। चंद्रगुप्त के पुत्र सिंहसेन, जिसे कि बिंदुसार भी कहा जाता है, उसका उल्लेख जैन ग्रंथ राजवली कथा में मिलता है। चंद्रगुप्त उसे सिंहासन सौंप कर चंद्रगिरि पर्वत, जो कि कर्नाटक में है, वहाँ पर चला जाता है, श्रवण बेलगोला, और वहीं तपस्या करके संलेखना पद्धति से अपने जीवन लीला को समाप्त कर देता है, मतलब अन्न जल त्याग देता है, भूख प्यास से मरता है। ये सब वर्णन हमें जैन ग्रंथों से मिलता है, इसमें राजावली कथा का नाम आता है। तो इस आधार पे हमने सी का चयन किया, मतलब पहला और चौथा वाला स्टेटमेंट ही यहाँ पर सही है, दूसरा और तीसरा गलत है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 460 की ओर। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कश्मीर में श्रीनगर नामक नगर ये अशोक ने बसाया था। चंद्रगुप्त मौर्य के समय में पूरे भारतीय इतिहास में मौर्य साम्राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा था। अशोक ने एक उपासक के रूप में राज्याभिषेक के 10वें वर्ष में बोधगया की यात्रा की थी। ये तीन कथन है, अब आपको ये बताना है कि इसमें से कौन से सही है। तो देख लीजिए, इसका केवल पहला वाला सही है, इसमें सिर्फ पहला वाला सही है। कैसे सही है तो देख लीजिए। राज तरंगिणी से पता चलता है कि कश्मीर में श्रीनगर और नेपाल में देवपत्तन, ये जो नगर है, ये अशोक के द्वारा बसाया गया था। यहाँ हमने देखा राज तरंगिणी जो पुस्तक है, उसमें कश्मीर के राजवंशों का इतिहास मिलता है, तो उसमें यह कहा गया है कि कश्मीर में जो श्रीनगर नामक नगर है, वो अशोक के द्वारा बसाया गया था। इस आधार पे केवल ए वाला स्टेटमेंट इसका सही होता है। और भी देख लेते हैं। अशोक के समय में पूरे भारतीय इतिहास में मौर्य साम्राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा था, और अशोक ने एक उपासक के रूप में राज्याभिषेक के 10वें वर्ष में बोधगया की यात्रा की थी, और वह 12वें वर्ष में निगाली सागर और 20वें वर्ष में लुम्बिनी गया था। तो यहाँ जो है आप देख लीजिए, यहाँ पर एक चीज देखिएगा, पहला वाला जो कथन है वो तो सही है ही है, जरा तीसरे वाले को देखिए। व्याख्या के अनुसार यहाँ पर तीसरा वाला कथन भी सही मालूम होता है, हालांकि ये पूरी जानकारी नहीं है। पूरी जानकारी यहाँ व्याख्या में दी है कि किस वर्ष में कहाँ की यात्रा करता है, लेकिन फिर भी ये तीसरा वाला कथन, इसे हम गलत नहीं कर सकते। तो इसमें पहला और तीसरा दोनों स्टेटमेंट सही होना चाहिए, पहला और तीसरा दोनों ही कथन सही होना चाहिए। हालांकि यहाँ कोई विकल्प दिया नहीं है और इस आधार पर उत्तर ए दिया हुआ है, लेकिन दोनों ही जानकारियाँ यहाँ सही हैं, जानकारियों से आपको मतलब होना चाहिए। तो ये पहली वाली जो जानकारी है ये भी ठीक है, और तीसरी वाली जानकारी भी ठीक है, लेकिन ये चंद्रगुप्त मौर्य जो नाम दे दिया है, तो दूसरा वाला स्टेटमेंट गलत है, दूसरा वाला स्टेटमेंट सही नहीं है। ये अशोक का शासनकाल था, जब पूरे इतिहास में मौर्य साम्राज्य सबसे बड़ा था। तो यहाँ थोड़ा सा संशोधन कर लीजिएगा, संशोधन कुछ नहीं करना है आपको, बस याद रखना है कि इसमें पहला और तीसरा स्टेटमेंट सही है। तो ये ए वाला उत्तर यहाँ पे नहीं होना चाहिए। सिर्फ अकेला ए नहीं होगा, मतलब सिर्फ एक नहीं होगा, इसमें तीन भी होगा, पहला और तीसरा इसमें सही होना चाहिए। आगे चलते हैं, यहाँ आप देख भी सकते हैं। 461वें प्रश्न को देखिए। कालचक्रयान संप्रदाय के संदर्भ में विचार कीजिए। कालचक्रयान ये संप्रदाय है, इसके संबंध में विचार कीजिए। इसके प्रवर्तक मंजूश्री को माना जाता है। इसके यह जो संप्रदाय था, कालचक्रयान संप्रदाय की बात हो रही है, इसकी उत्पत्ति 6वीं शताब्दी में हुई थी, ये एक कथन है। और कथन देखिए, इसके सर्वोच्च देवता गौतम बुद्ध थे। अब आपको ये बताना है कि इसमें से कौन सा सही नहीं है, जो सही न हो उसका आपको चयन करना है। देख लीजिए 461वें प्रश्न को देखिए। कालचक्रयान संप्रदाय के संदर्भ में विचार कीजिए। इसके प्रवर्तक मंजूश्री को माना जाता है, ये वाला कथन है। और इसमें संप्रदाय की उत्पत्ति 6वीं शताब्दी में हुई है, और सर्वोच्च देवता गौतम बुद्ध को माना जाता है। इस पर विचार आपको करना था, और आप देख लीजिए, इसका उत्तर होना चाहिए बी।
बी बी वाला का चुनने का मतलब क्या है? इसमें दूसरा और तीसरा सही, दूसरा और तीसरा इसमें सत्य है, ये वाला और ये वाला, मतलब यहाँ पे जो सही नहीं था उसका चयन करना था। तो ये दोनों क्या हैं? ये हैं तो असत्य, लेकिन हमें असत्य को ही चुनकर यहाँ पे सही विकल्प की तलाश करनी है। तो इस आधार पे दूसरे और तीसरे का चयन हम करते हैं और बी यहाँ पर हमारा सही विकल्प होता है। कैसे? व्याख्या देख लेते हैं। कालचक्रयान संप्रदाय की उत्पत्ति 10वीं शताब्दी में हुई है और कालचक्रयान के प्रवर्तक मंजुश्री को माना जाता है। इसके सर्वोच्च देवता श्री कालचक्र थे और इस संप्रदाय में मानव शरीर को ब्रह्मांड का प्रतीक माना जाता है। जो शरीर है वो ब्रह्मांड का प्रतीक है। कालचक्र और यहाँ पे विमल प्रभा टीका इस संप्रदाय के दो प्रमुख ग्रंथ हैं। कालचक्र तंत्र और विमल प्रभा टीका, ये दो किताबों के नाम हैं जो कि इस संप्रदाय से संबंधित हैं। इसकी दो मुख्य किताबें हैं। तो इस आधार पर इसमें बी वाला जो कथन है वो ठीक होगा, मतलब बी वाला जो विकल्प है वो ठीक होगा। दूसरा और तीसरा कथन यहाँ पर सही नहीं होगा। आगे बढ़ते प्रश्न संख्या 462 को देखिए। अभिधम्म पिटक की जो 462वां प्रश्न है उसे देख सकते हैं आप। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अभिधम्म पिटक की अठ कथा मूल रूप से सिंघली भाषा में महापच्चरी है। सिंघली भाषा में महापच्चरी है। बुद्ध के सौतेले भाई सौनंदर नंद के बौद्ध धर्म ग्रहण करने का काव्यात्मक वर्णन महावास्तु से प्राप्त होता है। सारिपुत्र के बौद्ध धर्म में या बौद्ध मत में दीक्षित होने का विवरण सारिपुत्र प्रकरण से मिलता है और अभिधम्म घोष की रचना अश्वघोष ने की है। ये चार कथन हैं। अब आपको बताना है कि इसमें से कौन से सही है। सभी सही हो सकते हैं या इनमें से कुछ ही सही हो सकते हैं, बताइए। तो इसका हो जाएगा ए, अर्थात पहला और तीसरा। कैसे होगा देख लेते हैं। व्याख्या देखिए। बुद्ध के सौतेले भाई सौंदर नंद के बौद्ध धर्म ग्रहण करने का जो काव्यात्मक वर्णन है वो सौंदरानंद से प्राप्त होता है। ये ग्रंथ है। इसमें सौंदरानंद की जो पत्नी है उसका नाम है सुंदरी, इसकी वेदनाओं का सुंदर वर्णन मिलता है। सौंदरानंद तथा सारिपुत्र प्रकरण इसकी रचना अश्वघोष ने की थी और अभिधम्म घोष की रचना ये वसुबंधु ने की थी। तो इस आधार पर हमने यहाँ पर सही विकल्प का चयन किया। इसे आप देख लीजिए। आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 463 को देखिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। धम्म कीर्ति को मध्यकालीन न्याय के जनक के रूप में निर्दिष्ट किया जाता है। किरात वेशधारी शिव और अर्जुन के बीच युद्ध का वर्णन किरातार्जुनीय में मिलता है। किरातार्जुनीय ये जो ग्रंथ है इसमें किरात वेशधारी मतलब जो जंगली आदिवासी होते हैं उनका रूप धारण किए भगवान शिव अर्जुन की तपस्या को भंग करने के लिए जाते हैं और वहाँ पे दोनों के बीच में एक शिकार को लेकर घमासान युद्ध होता है। तो इसका वर्णन, इस युद्ध का वर्णन इस ग्रंथ में मिलता है। राजपूत काल में उज्जैन काशी के बाद दूसरा प्रमुख शैव केंद्र था, मतलब यहाँ पे शैव धर्म को माना जाता था। अब आपको ये बताना है कि इसमें से कौन सा सही है। जो सही हो उसका चयन करना है, देख लीजिए। और इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, अर्थात दूसरा और तीसरा। दूसरा सही है, किरातार्जुनीय ये जो ग्रंथ है इसमें किरात वेशधारी शिव और अर्जुन के बीच का युद्ध दिखाया गया है। और इसके अलावा तीसरा भी सही है कि राजपूत काल में उज्जैन काशी के बाद दूसरा प्रमुख शैव केंद्र बन गया था। ये दोनों ठीक हैं और इस आधार पर हमने बी का चयन किया। आगे बढ़ते हैं। व्याख्या देख लीजिए। यहाँ पे दिडंग नाग 5वीं शताब्दी के बौद्ध धर्म के तर्कशास्त्र के प्रवर्तक के रूप में सुविख्यात है। इन्होंने तर्कशास्त्र पर लगभग 100 ग्रंथ लिखे हैं। इन्हें प्रायः मध्यकालीन न्याय के जनक के रूप में निर्दिष्ट किया गया है। धर्म कीर्ति इनके बारे में अगर चर्चा की जाए तो सातवीं शताब्दी थी, उस समय के महान बौद्ध न्यायिक थे। इन्हें अगर देखा जाए, धर्म कीर्ति के बारे में यहाँ चर्चा की जा रही है। और इनकी विशेषता क्या थी? यह सूक्ष्म दार्शनिक थे, चिंतक थे और भाषा वैज्ञानिक थे। यह काफ़ी बड़े विद्वान थे। इसके अलावा गुप्तोत्तर काल में महाकवि भारवी की रचना किरात, यहाँ पे भारवी के द्वारा ये रचित है, ये भी याद रखिएगा। जो रचनाकार है उनका नाम भी महत्वपूर्ण। भारवी के द्वारा इस ग्रंथ की रचना की गई और इसमें शिव और अर्जुन के बीच की लड़ाई का वर्णन है। ये गुप्तोत्तर काल का है। इसके बाद राजपूत काल में उज्जैन, ये काशी के बाद का दूसरा सबसे बड़ा शैव केंद्र था। परमार वंश का शासक भोज ये शैव धर्म का अनुयायी था। जो राजा भोज थे वो शैव धर्म के अनुयायी थे और इनके द्वारा जो किताब लिखी गई है वह तत्व परीक्षा के नाम से
विख्यात है, उसमें शैव धर्म का जिक्र भी मिलता है, मतलब वहां से हमें वर्णन प्राप्त होता है। तो इस आधार पर हमने बी का चयन किया। आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या 464 को देखिए। समुद्रगुप्त का जो प्रयाग प्रशस्ति है, इसमें कामरूप का उल्लेख एक सीमावर्ती राज्य के रूप में प्राप्त होता है, और इसमें कहा गया है जो कथन है उनका हमें परीक्षण करना है। उस समय कामरूप एक बृहद राज्य था। कामरूप के राजा ने गुप्त सम्राटों के नामों का प्रवर्तन किया था। कामरूप के राजा द्वारा सम्राट को व्यक्तिगत सम्मान अर्पित किया जाता था, और कामरूप का राजा उसको मतलब सम्राट को हर प्रकार से कर देता था। ये सब जो प्रयाग प्रशस्ति है उसमें कहा गया है। अब आपको बताना है इसमें से कौन सा सही है, देख लीजिए। और इसका सही उत्तर होगा सी, मतलब इसमें तीसरा और चौथा सही है। तीसरा सही है और चौथा सही है। हर प्रकार से कर अदा करने वाली बात एकदम ठीक है, और व्यक्तिगत सम्मान अर्पित करने वाली बात भी ठीक है। इसका मतलब यह है कि कामरूप के राजा के साथ इनके अच्छे संबंध थे, और इसका वर्णन इन्होंने जो प्रयाग प्रशस्ति नाम का लेख है उसमें किया है। ये प्रयाग प्रशस्ति से संबंधित चीज कही गई है। आगे बढ़ते हैं 464वें प्रश्न से 465 पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 465 को देखिए। वीर शैव संप्रदाय की श्रेणियों में से है, वीर शैव संप्रदाय की श्रेणियों में से यहां पर कौन कौन सी श्रेणियां दी हुई है उन्हें देख लीजिए। जंगम श्रेणी है, शीलवन श्रेणी है, वणिक श्रेणी है और उत्तम श्रेणी है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है, सही कथन का चुनाव कीजिए। कौन कौन सी श्रेणियां जो है इस संप्रदाय से संबंधित है बताइए। तो इसमें ए वाला हो जाएगा, यानी पहली दूसरी और तीसरी, पहली दूसरी और तीसरी, यानी जंगम है, शीलवन है और वणिक। आगे बढ़ते व्याख्या देख लीजिए। यहां पर जो चार श्रेणियां हैं वो कौन कौन सी है, जंगम है, शीलवन है, वणिक है, इसके अलावा पंचमशाली है। वीर शैव संप्रदाय के अनुयायी निष्काम कर्म में विश्वास करते हैं, ये एक खास बात है, मतलब बिना किसी उम्मीद के, बिना किसी आशा के सिर्फ कर्तव्य करते हैं, ये बहुत अच्छी बात है। इसलिए इस मार्ग को वीर मार्ग कहा जाता है, इस मार्ग को वीर मार्ग कहते हैं। कालांतर में इसकी चार श्रेणियां बढ़ गई, वो चार श्रेणियां आप देख रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। वीर शैवों का मत है कि भिन्न भिन्न समयों में पांच महापुरुषों ने इस धर्म का उपदेश दिया था, और इनके नाम रेणुकाचार्य, दारुकाचार्य, एकोरायाचार्य और इसके अलावा पंडिताराध्य और विश्वाराध्य थे। ये अलग अलग व्यक्तियों के नाम हैं, पंडिताराध्य, विश्वाराध्य, रेणुकाचार्य, इस तरह के नाम हैं। और इन्होंने रंभापुरी का मतलब है मैसूरु, और इसके अलावा उज्जैन, ऊखीमठ का मतलब केदारनाथ, श्रीशैल और काशी में अपने विशिष्ट सिंहासनों की स्थापना की थी। इनके मठ थे, केंद्र थे, उनकी बात की जा रही है। तो इस आधार पर हमने कुछ जानकारी यहाँ प्राप्त की वीर शैव संप्रदाय के बारे में, और इनकी खास बात यह है कि ये निष्काम कर्म में विश्वास करते हैं। इनका जो सिद्धांत है वो याद रखना चाहिए। आगे चलते हैं, इसका ए वाला उत्तर सही था। प्रश्न संख्या 466 को देखिए। नेपाल के काठमांडू का पशुपति मंदिर पाशुपत संप्रदाय का प्रमुख केंद्र है। मत्स्येंद्रनाथ को तिब्बत में सिद्ध लुईपाद के नाम से जाना जाता है। शाक्त धर्म के चार वर्ग हैं, और अशोक के धम्म के अनुसार मोक्ष के, जो मोक्ष होता है यानी मुक्ति होती है, उसके लिए मठवासी के रूप में जीवन यापन करना आवश्यक है, मतलब मठ में भिक्षु का जीवन बिताना ये आवश्यक है। ये चार कथन है, आपको बताना है इसमें से कौन सा सही है। सभी सही हो सकते हैं या फिर कुछ भी सही हो सकते हैं बताइए। और इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, अर्थात पहला और दूसरा, जो पहला और दूसरा कथन है वो ठीक है। नेपाल के काठमांडू में जो पशुपति नाथ का मंदिर है वो पाशुपत संप्रदाय का केंद्र है, और मत्स्येंद्रनाथ को तिब्बत में सिद्ध लुईपाद के नाम से जाना जाता है, ये दोनों सही है। लेकिन ये तीसरा और चौथा यहाँ ठीक नहीं है, कैसे आइए देख लेते हैं। शाक्त धर्म के दो वर्ग हैं, कौल मार्गी और समयाचारी, ये हम पीछे जो सीरीज थी उसमें देख ही चुके हैं। और जैन मत के अनुसार मोक्ष के लिए मठवासी के रूप में जीवन यापन करना अनिवार्य माना जाता है। यहाँ अशोक का मत नहीं था, ये जैन मत था। आगे बढ़ते हैं 467वें प्रश्न पे। अष्टांग मार्ग की जो संकल्पना है, अष्टांग मार्ग की जो संकल्पना है उसका अंग क्या है यहाँ बताइए, मतलब यहाँ पे जो संकल्पना है वो किस चीज का हिस्सा है। दीपवंश के विषय वस्तु का, दिव्यावदान के विषय वस्तु का, ये सब ग्रंथ हैं, या फिर महापरिनिर्वाण के विषय वस्तु का, या धर्मचक्र प्रवर्तन जो सूत्र है उसके विषय वस्तु का,
इन ग्रंथों में से किसमें से इसे लिया गया है? तो डी वाला होगा धर्म चक्र प्रवर्तन सूत्र के विषय वास्तु का, ये अष्टांग मार्ग वहीं से लिए गए। ये वाला आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 468 को देखिए। 468वें प्रश्न में कहा है कि बौद्ध मत के उपसंपदा पद से क्या तात्पर्य है? बौद्ध मत में जो उपसंपदा पद था उससे क्या तात्पर्य है बताइए। तो बौद्ध मत को दान देने से अर्जित जो धार्मिक पुण्य होता था, बौद्ध मत में दान देने से जो पुण्य की प्राप्ति होती थी उससे इसका तात्पर्य है, या फिर बौद्ध मठ से संबंधित जो संपत्ति होती थी उससे इसका तात्पर्य है, या फिर बौद्ध मत में जो आरंभिक धर्म परिवर्तन होता था, मनुष्य का धर्म परिवर्तित कर दिया जाता था उससे इसका संबंध है, या फिर बौद्ध भिक्षु के धर्म परिवर्तन की अंतिम अवस्था से इसका संबंध है। तो देखिए यहाँ बौद्ध मत में उपसंपदा का मतलब यही चौथा वाला है, बौद्ध भिक्षु के धर्म परिवर्तन की अंतिम अवस्था, ये वाला। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 469 को देखिए। अवतारवाद की संपुष्टिकरण तथा विष्णु के अवतारों की पूजा, ये भागवत धर्म के लक्षण थे। आरंभिक वैदिक युग के, मतलब ये किस युग के हैं ये बताना है आपको। तो भागवत धर्म के ये लक्षण तो थे, लेकिन किस समय के थे? आरंभिक वैदिक युग के थे या उत्तर वैदिक काल के थे, गुप्त काल के थे या मौर्य काल के थे बताइए। किस समय में अवतारवाद पे विश्वास किया जाता था? तो इसका सही उत्तर होगा गुप्त काल। गुप्त काल में ये ज्यादा विश्वसनीय था अवतारवाद। आगे चलते। निम्नलिखित में से किस मूर्तिकला में सदैव हरित स्तरित चट्टान, जिसे कि शिल्ट कहा जाता है, इसका प्रयोग मिलता है? मौर्य मूर्तिकला, मथुरा मूर्तिकला, भरहुत मूर्तिकला या फिर गांधार शैली? तो ये डी वाला होगा, गांधार कला में ऐसी मूर्तियां प्राप्त होती हैं। आगे बढ़ते हैं 471वें प्रश्न पे, ये सब फैक्ट है। निम्नांकित कथनों पर विचार कीजिए। मौर्य साम्राज्य में प्रांतों को आहार कहते थे। जस्टिन ने चंद्रगुप्त की सेना को डाकुओं का गिरोह कहा है। और मौर्य काल में युद्धों में व्यूह की रचना की जाती थी। व्यूह रचना का जिक्र आपने महाभारत के समय से भी सुना होगा। इसके बाद मेघस्थनीज ने भारतीय समाज को 7 भागों में बांट दिया। अब आप ये बताइए कि इसमें से कौन सा कथन सही है? विकल्प देख लीजिए, सही कथन का चुनाव आपको करना है। तो इसका उत्तर हो जाएगा बी, अर्थात 2, 3 और 4। इसमें 2, 3 और 4 होगा, मतलब दूसरा, तीसरा और चौथा सही है। कैसे? मौर्य साम्राज्य में प्रांतों को चक्र कहते थे। मौर्य साम्राज्य जो था इसमें प्रांतों को चक्र कहा जाता था। और यहाँ पहले वाले कथन में क्या कहा है कि प्रांतों को आहार कहते थे, तो पहला वाला गलत हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद कहा है कि मौर्य काल में युद्धों में व्यूह की रचना की जाती थी और चार प्रकार के व्यूहों का वर्णन मिलता है। मेघस्थनीज ने भारतीय समाज को 7 वर्गों में बांटा है। 7 वर्ग कौन कौन से हैं जानते रहिए। दार्शनिक है, किसान है, अहीर है, इसके अलावा कारीगर है, सैनिक है, अहीर मतलब गोपाल जो कि गायों का पालन पोषण करते थे, इसके अलावा निरीक्षक है और सभासद है। ये 7 भाग हैं समाज के मेघस्थनीज के अनुसार। इस आधार पर हम बी का चयन करते हैं। और 472वें प्रश्न को अब देखिए। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। अशोक के धर्म प्रचारकों का नाम दिया हुआ है और ये किस देश में जाकर धर्म का प्रचार किए थे, किस क्षेत्र में गए थे, इसका नाम दिया हुआ है, देख लीजिए। तो मध्यांतिक, महारक्षित, इसके अलावा महाधर्मरक्षित, धर्मरक्षित, सोना तथा उत्तरा। और इधर सूची 2 में देश का नाम देखिए, यूनान देश है, इसके अलावा महाराष्ट्र है, कश्मीर है, कश्मीर तथा गांधार वाला इलाका, सुवर्ण भूमि है और अपरांतक है। हमें सही मिलान करना है, कोड दिया हुआ है और विकल्प भी आपके सामने है। उत्तर देखिए इसका बी होगा, बी वाला, मतलब CABED। पहले वाले का सी, दूसरे वाले का ए, तीसरे वाले का बी, चौथे वाले का ई और पांचवें वाले का डी। इस आधार पे हम इसे मिलाएंगे। ये धर्म प्रचारकों के नाम हैं, कहाँ ये गए थे उनसे इन्हें मिलाना था। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 473 को देखिए। अध्यक्ष और उसके विभाग का नाम दिया हुआ है। कुप्याध्यक्ष है, शुल्काध्यक्ष है, पौतवाध्यक्ष है और इसके अलावा ये अक्ष पटलाध्यक्ष हैं। ये अलग अलग विभागों के अध्यक्षों का नाम है। अब इनके जिम्मे कौन कौन से विभाग थे ये सूची 2 में दिया हुआ है। माप तोल विभाग है, वन विभाग है, महालेखाकार है, इसके अलावा व्यापार कर विभाग है। आपको इसका मिलान करना है और मिलान करके जो सही विकल्प है उस तक पहुँचना है आपको, देखिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, अर्थात BDAC, पहले वाले का, यहाँ आप देख लीजिए,
पहले वाले का बी हो जाएगा। इसी तरीके से आगे चलेंगे और दूसरे वाले का डी हो जाएगा, तीसरे वाले का ए हो जाएगा और चौथे वाले का सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 474 को देखिए। अर्थशास्त्र के अनुसार राजदूत के प्रकार है, राजदूत के जो प्रकार है उसमें यहाँ पे आप देख सकते हैं निसृष्टार्थ है, जो कि किसी भी देश के साथ संधि या समझौता कर सकते थे। राजदूतों की अपनी अपनी क्वालिटी होती थी, तो जो निसृष्टार्थ थे ये किसी भी देश के साथ संधि या समझौता करने के लिए उपयुक्त किए जाते थे। शासनहार थे, ये कुछ मामलों में स्वतंत्र अधिकार रखते थे। और परिमितार्थ, यह मात्र सूचना देने वाले राजदूत होते थे। मतलब सबसे अच्छी जो कैटेगरी थी वो निसृष्टार्थ की थी। अब हमें ये बताना है कि इसमें कौन सा कथन सही है, ये जो दिए हुए हैं इनमें से कौन सा सही है आपको पहचानना है, बताइए। और इसमें ए वाला होगा, अर्थात केवल पहला। निसृष्टार्थ किसी देश के साथ संधि या समझौता कर सकते थे। अब देखिए इसकी व्याख्या, अर्थशास्त्र में राजदूतों का वर्णन मिलता है, ये तीन प्रकार के बताए गए हैं, निसृष्टार्थ है, परिमितार्थ है और शासनहार है। तो निसृष्टार्थ जो थे यह किसी भी देश के साथ संधि या समझौता कर सकते थे, परिमितार्थ जो थे यह कुछ मामलों में स्वतंत्र अधिकार रखते थे, और इसमें शासनहार जो थे ये मात्र सूचना देने वाले राजदूत होते थे। तो इस आधार पे इसका ए नहीं होगा बल्कि डी होगा, क्योंकि तीनों ही सही है, यहां पर तीनों ही सही है, आप देख सकते हैं। माफ कीजिएगा, ये ठीक है, थोड़ा सा भ्रम की स्थिति पैदा हो गई थी, यहाँ पर सही है। निसृष्टार्थ ये किसी भी देश के साथ संधि या समझौता करते थे, तो इसका सिर्फ ए वाला सही है, मतलब पहला वाला। बाकी दोनों कथन उल्टे दे दिए, मतलब जो परिमितार्थ के साथ देना चाहिए वो शासनहार के साथ दे दिया है, और जो शासनहार के साथ देना चाहिए वो परिमितार्थ के साथ दे दिया है। तो यहाँ उल्टा दे दिया है, इसलिए दोनों कथन, यहाँ कन्फ्यूजन नहीं है, ये सही नहीं है, सिर्फ पहला वाला सही है, एकमात्र पहला वाला, बाकी दोनों गलत है, उल्टा दिया है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 275। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अर्थशास्त्र में 8 प्रकार के दुर्गों का उल्लेख मिलता है। आप जानते हैं कि अर्थशास्त्र एक राजनीतिक ग्रंथ है, कौटिल्य के द्वारा लिखा हुआ, ये एक राजनीतिक ग्रंथ है। इससे मौर्यकालीन जो राज्य व्यवस्था है, जो प्रशासन प्रणाली है, उसका एक अच्छा वर्णन प्राप्त होता है। तो अर्थशास्त्र में 8 प्रकार के दुर्गों का उल्लेख मिलता है। मौर्यकाल में व्यापारियों के संगठन को संभूत या समुत्थान, इसके अलावा समव्यवहारिक कहा जाता था। पाषाण गृह कला का सर्वप्रथम विकास ये सातवाहन राजवंश के अंतर्गत हुआ है। आप बताइए कि इसमें से कौन सा कथन सही है, देख लीजिए, और इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, अर्थात केवल दूसरा वाला, केवल दूसरा वाला यहाँ पे ठीक है। व्याख्या देख लीजिए, अर्थशास्त्र में 4 प्रकार के दुर्गों का उल्लेख मिलता है। नाम क्या क्या है, औदक है, पर्वत है, इसके अलावा धानवन है और वन दुर्ग है, ये 4 प्रकार के दुर्ग हैं। और पाषाण गृह कला का सर्वप्रथम विकास ये मौर्य राजवंश के अंतर्गत हुआ है, मौर्य राजवंश के अंतर्गत हुआ है, इसे आप देख लीजिए। तो इस आधार पे कौन सा सही होगा, सिर्फ दूसरा वाला। आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या 476 को देखिए। कौटिल्य के अनुसार नगर के मार्गों के प्रकार होने चाहिए। वीथी, महामार्ग, रथ्या और महापथ, ये अलग अलग रास्तों के नाम हैं, ये सब चाणक्य के अर्थशास्त्र से लिए गए हैं। हमें बताना है इसमें सही उत्तर कौन सा होगा। नगर के मार्गों के प्रकार हमें बताने हैं, यहाँ कुछ मार्गों के नाम दिए हुए हैं, तो इसका सही उत्तर होगा ए, यानी 1, 3 और 4, 1, 3 और 4। आगे चलते हैं, मौर्य युग में स्त्रियों के संदर्भ में, जो मौर्य काल था वहां पे महिलाओं के संदर्भ में कुछ कथन दिए हुए हैं। परिवार में स्त्रियों की दशा स्मृति काल की अपेक्षा अच्छी थी, जो स्मृति काल थे उसकी अपेक्षा इस समय महिलाओं की परिस्थितियां ठीक ठाक थी। धनाढ्य विधवाओं को अर्थशास्त्र में आढ्य विधवा कहा जाता था, और स्वतंत्र रूप से वैश्यावृत्ति करने वाली जो महिलाएं थीं, मतलब स्त्रियां थीं, उन्हें रूपा जीवा कहा जाता था, जो कि रूप अपने स्वरूप के आधार पर जीवन यापन करती थी। और समाज में विधवा विवाह प्रचलित था, यानी महिलाओं के साथ थोड़ा अच्छा बर्ताव होता था मौर्य काल में, ऐसा कहा गया। अब हमें यह बताना है कि इसमें से कौन से कथन सही है, देख लीजिए, और इसका सही उत्तर होगा डी, अर्थात इसमें जितने भी दिए हुए हैं वो सभी ठीक है, सभी यहां पर सही है। कैसे,
यहाँ आप देख लीजिए, स्त्रियों को बाहर जाने की स्वतंत्रता नहीं थी। संभ्रांत घर की जो स्त्रियां थीं वो प्रायः घर के अंदर रहती थीं। कौटिल्य ने ऐसी स्त्रियों को अनिष्काशिनी कहा है। निष्काशिनी मतलब बाहर निकली हुई, अनिष्काशिनी मतलब जो अंदर रहे। और समाज में विधवा विवाह प्रचलित था। कुछ विधवाएं, मतलब जो कुछ विधवाएं थीं वह विवाह नहीं करती थी। विवाह प्रचलन में था लेकिन कुछ जो थी वो विवाह नहीं करती थी। ऐसा या तो उनकी मर्जी से होता था या सामाजिक कुछ बंधन रहते होंगे। ऐसी विधवाएं जो धनाढ्य हुआ करती थी उन्हें आढ्य विधवा कहा जाता था। और अर्थशास्त्र में सती प्रथा के प्रचलित होने का प्रमाण नहीं मिलता है। तो इससे ये मालूम होता है कि जो स्मृति काल था उससे बेहतर स्थिति मौर्य काल में महिलाओं की थी। ये सभी चीजें हैं। आगे चलते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मेघस्थनीज ने भारत में चार प्रकार के दासों का वर्णन किया है। कौटिल्य ने नौ प्रकार के दासों का वर्णन किया है। और मेघदूत में उज्जैनी के महाकाल मंदिर में अनेक देवदासियों के नृत्य गान का उल्लेख मिलता है। देवदासियों की प्रथा ये हमें मेघदूत से देखने के लिए मिलती है। तो अब बताइए कि यहाँ पे कौन सा कथन सही है। विकल्प आपके सामने है, देख लीजिए। और इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, अर्थात दूसरा और तीसरा। मेघस्थनीज के अनुसार भारत में दास ही नहीं थे। मेघस्थनीज ने ऐसा कहा कि भारत में कोई दास नहीं, क्योंकि कौटिल्य ने उसे भारत का जो काला चेहरा था वो नहीं दिखाया था। सिर्फ जो अच्छी चीजें थी वही दिखाई। अपने साम्राज्य का जो बढ़िया वाला हिस्सा था वही दिखाया। बुराइयां हर साम्राज्य और हर क्षेत्र में होती हैं, तो उन बुराइयों से इन्हें मतलब अवगत नहीं कराया। और मेघस्थनीज ने जो देखा वही लिखा। इसके बाद देखिए, कौटिल्य ने नौ प्रकार के दासों का वर्णन किया है, ये बात ठीक है। नाम इनके देख लीजिए और सबसे पहले विकल्प देखिए जरा। यहाँ पर पहला वाला गलत हो जाएगा। पहला वाला गलत इसलिए हो जाएगा क्योंकि मेघस्थनीज ने दासों का वर्णन किया ही नहीं है। और हमने बी का चयन किया है, मतलब दूसरा और तीसरा यहाँ पे ठीक होना चाहिए। तो कौटिल्य ने नौ दासों का वर्णन किया है, ये सही है। और मेघदूत में जो देवदासी प्रथा का वर्णन है वो प्राप्त होता है, इसकी यहाँ से पुष्टि होती है। दासों के नाम आप देख सकते हैं। क्रीत जो होते थे वे खरीदे होते, मतलब खरीद कर ले आए जाते थे। इसमें से कुछ दास जो थे वो स्वतंत्र भी होते थे, मतलब उनके पास अच्छे खासे अधिकार होते थे। लेकिन कुछ जो थे वो बिल्कुल गुलामों की तरह होते थे। उनकी अपनी कोई मर्जी नहीं होती थी, उन्हें मशीन की तरह उनके साथ ट्रीट किया जाता था, व्यवहार किया जाता था। आगे चलते हैं। 479 में प्रश्न को देखिए। पश्चिमी भारत में प्राचीनतम जो शैलीकृत गुफाएं हैं वो कहाँ से प्राप्त हुई हैं? तो यहाँ आपको स्पष्ट दिखाई देता है, इसे आप देख लीजिए। पश्चिमी भारत में प्राचीनतम शैलीकृत गुफाएं कहाँ से प्राप्त हुई हैं? तो ये पहला वाला होगा, नासिक, एलोरा और अजंता से प्राप्त हुई हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 480 को देखिए। जेम्स प्रिंसेप द्वारा अशोक के अभिलेखों का अर्थ निकाले जाने का जो सूत्र है वह द्विभाषीय प्रलेखों से मिला है जो कि संबंधित थे। किस लिपि से संबंध था इनका, ये हमें बताना है। तो ये ब्राह्मी और अरमाइक से संबंधित थे। इनका संबंध ब्राह्मी और अरमाइक से था। प्रश्न संख्या 481 को देखिए। शाही उपाधि कैसर ये फारस से उद्भूत हुई है। मातृदेवी उमा का नाम गुप्त काल के सिक्कों पर मिलता है। जाति प्रथा की तीव्र आलोचना करने वाला ग्रंथ वज्र सूची इसकी रचयिता गार्गी थी। और कुमारगुप्त के समय के गंगधर अभिलेख में विष्णु को मधुसूदन कहा गया है। ये कुछ चार कथन है, आपको सही पर विचार करना है, देख लीजिए। और इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, इसमें जो सही है उसी का चयन करना है। तो सिर्फ चौथा जो है वो ठीक है, विष्णु को मधुसूदन के नाम से संबोधित किया गया है, बाकी सब इसमें गलत है। व्याख्या देख लीजिए। शाही उपाधि कैसर ये रोम से उद्भूत हुई है, मतलब रोमन साम्राज्य से इसका उदय हुआ है। और मातृदेवी उमा मतलब पार्वती, इनका नाम कुषाण सिक्कों पर मिलता है। कुषाणकालीन जो सिक्के हैं वहाँ से प्राप्त होता है। और जाति प्रथा की तीव्र आलोचना करने वाला ग्रंथ वज्र सूची इसके रचयिता अश्वघोष है, गार्गी नहीं है बल्कि अश्वघोष है। आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 482 को देखिए। प्रश्न संख्या 482 में कहा गया है कि भागवत धर्म का उदय सबसे पहले यमुना नदी के चारों, मतलब चारों ओर मथुरा जिले में होने का साक्ष्य मिलता है। यमुना नदी के चारों ओर ये मथुरा जिले में होने का साक्ष्य मिलता है। तो ये किसके विवरण से प्राप्त होता है? यहाँ हम स्पष्ट देख पा रहे हैं ये मेघस्थनीज के विवरण से हमें प्राप्त होता है। आगे चलते हैं। 483 में प्रश्न को देखते हैं। सूची एक का सूची दो से मिलान करना है। यहाँ पे कर्मांतिक है, इसके अलावा मंत्री परिषदाध्यक्ष है और ये अंतवर्षिक है और आठविक है। विभागों का यहाँ पे चयन करना है। वन विभाग है, अंगरक्षक सेना है, उद्योग धंधों का प्रधान निरीक्षक है और मंत्रिपरिषद है। आपको मिलान करना है, विकल्प आपके सामने हैं।
और उत्तर देखिए इसका सी वाला होगा, मतलब सी डी बी ए। इसका जो सही मिलान होगा वो होगा सी डी बी ए, पहले वाले का सी, दूसरे वाले का डी, तीसरे वाले का बी और चौथे वाले का ए। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 484 को देखिए। कुमार गुप्त के समय में सिंघल शासक मेघवर्मन था, जो सिंघल शासक था वो मेघवर्मन था। मौर्यकालीन अभिलेखों में पाटक से भूमि मापने का उल्लेख प्राप्त होता है, जो पाटक है उससे जमीन को नापा जाता था। गौतम और बृहस्पति ने 6 प्रकार के ब्याज का उल्लेख किया है और गुप्त शासकों का राजकीय धर्म वैष्णव धर्म था। आपको ये बताना है कि इसमें से कौन सा सही नहीं है, जो गलत है उसका चुनाव आपको करना है। तो देखिए इसका हो जाएगा ए, अर्थात पहला और दूसरा, पहला और दूसरा यहाँ पर सही नहीं है। कैसे नहीं है देख लेते हैं। तो समुद्रगुप्त के समय में सिंघल शासक मेघवर्मन था, और यहाँ हम क्या देख रहे हैं, कुमार गुप्त देख रहे हैं, इसलिए पहला वाला कथन क्या है, गलत हो जाएगा। एक चीनी स्रोत से पता चलता है कि मेघवर्मन ने गया में बुद्ध का मंदिर बनवाने की अनुमति प्राप्त करने के लिए समुद्रगुप्त के पास एक दूत भेजा था। ये हमें एक चीनी स्रोत से मालूम होता है। गुप्तकालीन अभिलेखों में यहाँ पे आप देख लीजिए, नड़, नड़ यानी एक लठ होता था जो कि 6 हाथ का होता था, 6 हाथ का एक लाठी होती थी, डंडा होता था, इससे जमीन नापी जाती थी। और बंगाल में भूमि माप के लिए पाटक शब्द का उल्लेख मिलता है। बौधायन ने भूमि माप से संबंधित निवर्तन शब्द का इस्तेमाल किया है। और इसी प्रकार से गौतम और बृहस्पति ने 6 प्रकार के ब्याजों का उल्लेख किया है, जिसमें कि भोग लाभ है, कारित है, कालिक है, कायिक है, चक्रवृद्धि है और शिखा वृद्धि है। गणित में आपने चक्रवृद्धि ब्याज देखा होगा, तो ये सब ब्याजों के जिक्र हैं, मतलब ब्याजों के नाम हैं। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 485 को देखिए। पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी कहाँ से कहाँ तक की समुद्री यात्रा है, तो ये लाल सागर से भारत तक की यात्रा का वर्णन इसमें दिया हुआ है। एक नाविक के द्वारा ये ग्रंथ लिखा गया है, नाम अज्ञात है, लेख मतलब लिखने वाले लेखक का नाम पता नहीं है। आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या 486 को देखिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। असंग हीनयान धर्म का प्रकांड विद्वान था। अभिधर्म कोश की रचना वसुबंधु ने की थी। पल्लव रथों में सबसे छोटा द्रौपदी रथ है। मामल्लपुरम नगर की स्थापना पुलकेशिन द्वितीय ने की थी। अब आप ये बताइए कि इसमें से कौन सा सही है। विकल्प आपके सामने है और इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, अर्थात दूसरा और तीसरा, दूसरा और तीसरा यहाँ पे ठीक है। व्याख्या देखिए, असंग महायान धर्म का प्रकांड विद्वान था। यहाँ पर नाम किसका दिया, हीनयान धर्म का दिया, इसलिए वो गलत हो जाता है। और देखिए, अभिधर्म कोश की रचना वसुबंधु ने की थी, ये वाला कथन अभिधर्म कोश वाला ठीक है। इसके बाद तीसरा वाला भी ठीक है कि जो द्रौपदी रथ है वो सबसे छोटा है, और मामल्लपुरम की स्थापना नरसिंह वर्मन ने की थी, पुलकेशिन द्वितीय ने नहीं की थी। इस आधार पर चौथा वाला भी गलत हो जाता है, तो हम बी का चुनाव करते हैं और आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से सही कालानुक्रम में इन्हें व्यवस्थित करना है। रुद्रदामन का जूनागढ़ शिलालेख, शक संवत का प्रारंभ, तख्त है बही अभिलेख और विक्रम संवत का प्रारंभ, इनके कालानुक्रम से इन्हें सही व्यवस्थित करना है। तो इनका सही क्रम कोड के हिसाब से देख लीजिए क्या होना चाहिए, पहले कौन आया था और बाद में कौन आया था। तो इसका सही मिलान होगा सी वाला, मतलब 4-3-2-1, इसमें 4-3-2-1 होगा। पहले वाला मतलब चौथा, तीसरा, उसके बाद फिर दूसरा और तब पहला। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 488 को देखिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उत्तरापद का वर्णन मेगस्थनीज ने किया है। अशोक के अभिलेखों को 3 भागों में बांटा जाता है। अशोक ने धम्म यात्रा की शुरुआत सारनाथ से की थी। यह 3 कथन है, आपको ये बताना है कि कौन सा गलत है। तो इसमें केवल तीसरा वाला जो है वो सही नहीं है, जो सी वाला है वो इसमें सही विकल्प होगा, मतलब तीसरा वाला कथन यहाँ पे सही नहीं है, और जो सही नहीं था उसी का हमें पहचान करना था, बाकी सब जो है वो ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, इसका जरा व्याख्या देख लीजिए। उत्तरापद का वर्णन मेगस्थनीज ने किया है। यह सड़क सिंध को बंगाल के सोनार गांव से जोड़ती थी। बंगाल का जो सोनार गांव था वहां से ये सिंध तक जाती थी। इस सड़क का निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य ने करवाया था और अशोक के अभिलेखों को 3 भागों में बांटा गया है। शिलालेख है, स्तंभ लेख है और गुहा लेख है। इस तरह से 3 विभाजन है इसके, इसे आप देख सकते हैं। आगे देखते हैं 489वां प्रश्न। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पाल, चंदेल और सेन वंश के ज्यादातर अभिलेख श्री गणेश से प्रारंभ होते हैं। श्री गणेश शब्द या उनके चिन्ह से इसे आरंभ किया जाता है। परमार शासक भोज ने सोमनाथ जाने वाले यात्रियों से तीर्थ यात्रा कर लेना बंद कर दिया था और संबंदर सबसे बड़ा महान यहाँ पे नैनार था। नैनार का मतलब आप जान रहे हैं, ये शैव धर्म के उपासक होते थे। नम्बी आंडार, नम्बी चोल शासक राज राय प्रथम के समय का था।
ये चोल शासक राजा राय प्रथम के समय का था या राज राय प्रथम के समय का था? ऐसे यहां पर चार कथन आपके सामने है, देख लीजिए और बताइए इसमें से कौन सा सही होगा। तो इसका सी वाला सही है। सी का मतलब है इसमें तीसरा और चौथा। कैसे? व्याख्या देख लीजिए। तो पाल, चंदेल और सेन वंश के ज्यादातर अभिलेख जो है ये ओम नमः शिवाय से प्रारंभ होते हैं, श्री गणेश से इनका प्रारंभ नहीं होता है। तीसरा और चौथा हमने चुना है, तो पहला वाला इसमें सही नहीं है। और चंदेलों के समय ही धंग ने कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण करवाया था और गुजरात में खंभात की खाड़ी क्षेत्र में शिव का प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर है। महमूद गजनवी द्वारा इसे नष्ट कर दिया गया। बाद में इसमें परमार शासक भोज और ये देखिए अनहिलवाड़ के जो चालुक्य शासक है कुमारपाल, इन्होंने इसका पुनर्निर्माण करवाया, मतलब इसे फिर से बनवाया। गजनवी ने इसकी संपत्ति लूटने के लिए बार बार इस पर आक्रमण किया और ये पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया था, तो बाद में इसका जीर्णोद्धार किया गया। चालुक्य शासक जय सिंह सिद्धराज ने सोमनाथ जाने वाले यात्रियों से तीर्थ यात्रा कर लेना बंद कर दिया था और संबंदर सबसे महान नैनार था, ये बात ठीक है। इसने जैनियों को मदुरा में वाद विवाद में हराकर सभी को शैव धर्म में दीक्षित कर दिया, मतलब वाद विवाद में हराया और उसके बाद अपना धर्म मानने पर विवश कर दिया। 8,000 जैनों को इन्होंने शूली पर चढ़वा दिया था, मतलब ये क्रूर थे। तो इस तरह की चीजें हमें मिलती हैं, इसका सी वाला सही होगा, मतलब तीसरा और चौथा। आगे बढ़ते हैं, नंबी आंडार के बारे में देख लीजिए। यह चोल शासक राज राय प्रथम के समय का था। इसने नयनारों की रचना का तमिल भाषा में संग्रह किया है। ये संग्रह जो है ये तिरुमुडय कहलाए, इनकी संख्या 11 है। प्रश्न संख्या 490 को देखिए। अजंता की गुफा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। गुफा संख्या 9 और 10 पुलकेशिन द्वितीय के समय की है। 17वीं गुफा को चित्रों की चित्रशाला कहा गया है। गुफा संख्या जो 1 और 2 है वह सबसे पुरानी वाकाटक काल की है। यहाँ गुफाओं के नंबर के आधार पर उनका अलग अलग दिया हुआ है वर्णन। सही का हमें चुनाव करना है, जो सही कथन है उन्हें चुनना है। बताइए, ये सब अजंता के बारे में कहा जा रहा है, तो इसका सही उत्तर होगा सी, अर्थात केवल दूसरा वाला। कैसे होगा? तो 16वीं गुफा चित्रों में मरणासन्न राजकुमारी का चित्र अत्यंत सुंदर है। ये मरती हुई राजकुमारी है जो कि अपने प्राण त्याग रही है। ये 16वीं गुफा है। अगर हम सी को चुनते हैं तो हम इसमें सिर्फ दूसरे वाले का चयन करते हैं। दूसरे वाले का मतलब है कि 17वीं गुफा, ये वाला। आइए देखते हैं ये सही है अथवा नहीं, व्याख्या देखने से इसका परीक्षण हो जाएगा। तो 16वीं गुफा के चित्रों में मरणासन्न राजकुमारी का चित्र अत्यंत सुंदर है और 17वीं गुफा के चित्रों की जो श्रृंखला है उसे चित्रशाला कहा गया है। इस आधार पर वो कथन एकदम सही है। ये अधिकतर बुद्ध के जन्म, जीवन, महानिष्क्रमण और इसके अलावा जो महापरिनिर्वाण की घटना है यानी मृत्यु की घटना है, जन्म से लेकर मृत्यु तक का जो पूरा चक्र है बुद्ध का, उसका इसमें विस्तार से वर्णन है, चित्रों के माध्यम से दर्शाया गया है। और गुफा संख्या 1 और 2 पुलकेशिन द्वितीय के समय की है। गुफा संख्या 9 और 10 सबसे पुरानी वाकाटक काल की है। तो इस आधार पे हम इसमें सी का चयन करते हैं। सी मतलब केवल दूसरा। तीसरा वाला भी सही नहीं है। वाकाटक काल की जो गुफाएं हैं वो 9 और 10 है और यहाँ पे नंबर कितना दिया है, ये पहला दूसरा दिया है, तो बारीक अंतर है और इसके आधार पर इसका उत्तर हो जाएगा सी। इसके साथ ही प्राचीन इतिहास की ये जो प्रश्नों की श्रृंखला है ये यही समाप्त होती है। कुल 491 प्रश्न थे जिन पर हमने चर्चा की। यहाँ 490 लिखा हुआ है, बीच में एक प्रश्न एक्स्ट्रा है मिसप्रिंट की वजह से, वो नंबर जो है आपके सामने प्रत्यक्ष नहीं है। कुल 491 प्रश्न यहाँ थे बहुविकल्पी प्रकार के और इन प्रश्नों के माध्यम से हमने अपनी पुरानी दुनिया को जाना, अपने पुराने भारत को जाना, अपनी संस्कृति के बारे में परिचय प्राप्त किया और ये यात्रा यही समाप्त होती है। लेकिन मैं एक नया वीडियो लेक्चर लेकर आपके सामने आऊँगी, वो मध्यकालीन भारत का होगा। हम अपने मध्यकाल को जानने का प्रयास करेंगे, तो वह वीडियो लेक्चर अब भविष्य में। तब तक के लिए नमस्कार।